So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. आज के इस exciting session के अंदर हम लोग solve करने वाले हैं सारे के सारे NCERT based questions को जो कि दिए हुए हैं आपके body fluids and circulation नाम के chapter में. इस chapter को हमने कल सुबह complete किया था 3 घंटे 10 मिनट के अंदर और आज हम इसके काफी सारे questions लगाने वाले हैं जिससे कि ये चैप्टर हमारे टिप्स के ऊपर हो जाए. हमने अभी तक बुक्स के अंदर जो पढ़ा है उसको आज हम बकायदा इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की मदद से अपने कंसेप्ट्स को क्रैक करने वाले हैं. शुभांगी, मोनालिसा, विशाल, एसटीएफ स्टेटस, रेनू, एमडी, बाजी, मेरे दोस्त, बहुत बहुत वेलकम इस सेशन पे. अगर सब कुछ ठीक है जस्ट लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज फाइन, इफ आई एम ऑडिबल विजिबल Just give me a big fat thumbs up so that we can start this beautiful session up. अगर सब कुछ ठीक है एक बार AV लिख दीजिए या फिर thumbs up का इशारा कर दीजिए जिससे मुझे पता लग जाए कि सारी चीजें ठीक हैं. तब तक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ whether I am live on batch or not so that एक बार हम starting से ही अच्छे तरीके से दोनों parallel sessions को लेकर चलते रहें. Right, AV, अभी त्यागी, thank you so much यार. All right, great. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हम बैच पर लाइव हैं या नहीं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. सो मुझे 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए बस. यहां मैं अपने कोर्सेज के अंदर चला जाता हूं एंड उसके बाद मैं गया बायोलॉजी के ऊपर एंड सबसे नीचे मुझे मेरा लेटेस्ट सेशन मिल चुका है एंड आई एम इनटू द सेशन. राइट, सबको अगर सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है तो यार एक बार बैच वाले बच्चे थम्स अप दे दो. रिया, शौर्य, वैशाली, धनश्री, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन ऑन टाइम. स्टार्ट करें. सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं कि अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट क्रैश कोर्स इन मार्केट देन सिग्मा स्टार 2.0 इज फॉर यू. प्लीज मेक श्योर कि आप नीचे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक करें और इस क्रैश कोर्स को एक बार जरूर चेकआउट करें. और अगर आपने क्रैश कोर्स कहीं पर लिया हुआ है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ऑप्ट कर सकते हैं. अगर आप 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आपका ड्रॉप लेने का प्लान है, अभी इस साल आप नीट नहीं देना चाहते, तो आप हमारे 11th, 12th या ड्रॉपर कोर्स के अंदर भी जुड़ सकते हैं. सारे कोर्सेज आपको मार्क्सअप की लर्निंग ऐप की वेबसाइट के ऊपर और ऐप के ऊपर मिल जाएंगे. तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. यहाँ पर काफी सारे फ्री कोर्सेज भी हैं जो कि आपको मिलते हैं. आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और थ्योरी भी पढ़ सकते हैं. अदर देन दैट आप लोग मार्क्सअप लर्निंग ऐप के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. जाकर आपको जुड़ना होगा यहाँ पर. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ मैं नोट्स और सारी की सारी एनोटेटेड और अन एनोटेटेड पीपीटीज. तो आप लोग जो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं आपको एनोटेटेड और अन एनोटेटेड पीडीएफ स्लाइड्स मिल जाती हैं जिससे कि आप फ्यूचर में अगर प्रैक्टिस करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो. अब बिना वक्त को ज़ाया किए हुए अपने काम धंधे पर आगे बढ़ जाते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन is on your screens. Please have a look. Select the incorrect statement from the following. गंदी बात का, अश्लील बात का पता लगाना है. Simple organisms like sponges, sealant traits, circulate water from their surrounding. एकदम सही बात है. इनके अंदर water canal system होता है, खासकर sponges के अंदर, और sealant traits के अंदर cavity होती है, sealantron. Through their body cavities, बिल्कुल सही बात है, दोनों में cavity है, spongocele और sealantron, to facilitate the सेल टू एक्सचेंज सब्सटेंसेस. ओके, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व्ड द सेम मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब अलग अलग एनिमल हैं तो सेम मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? क्या स्पंजेस और हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एक जैसा है? द आंसर इज नो. उनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है जबकि हमारे अंदर एक वेल डिफाइंड वाटर वस्कुलर सिस्टम है. ये आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता है. बट स्टिल हम आगे की स्टेटमेंट्स देखेंगे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एज पॉइंट्स को भी नोट करना है. ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूड बाई मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स. एकदम सही बात है. आपके कुछ वर्टिब्रेट्स के, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर और सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर आपका ब्लड पाया जाता है. लिम्फ इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज इन ह्यूमन. बिल्कुल सही बात है, आपका एक्सचेंज वगैरह में हेल्प करता है टिश्यू के अंदर जाकर के, जहां इसे टिश्यू फ्लूड या इंटरस्टिशियल फ्लूड भी कहा जाता है. तो बी आपका आंसर हो जाएगा. राइट, डिफरेंट मेथड्स आपकी बात होनी चाहिए. प्रश्न दो, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ. ब्लड में क्या क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स, इसीलिए तो स्पेशलाइज है, इसीलिए इसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोला. प्लाज्मा, ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स,
45% हिस्सा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आते हैं, तो उत्तर क्या हो गया डी। प्लाज्मा के अंदर क्या आता है, प्लाज्मा के अंदर 92% आता है आपका वाटर, आपका लगभग 7-8% के आसपास क्या आते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की अगर आप बात करें तो इनमें तीन प्रकार के प्रोटीन्स आते हैं आपके, फाइब्रिनोजन जो कि किस काम आएंगे, ब्लड क्लॉटिंग के काम आएंगे, आपके ग्लोबुलिन जिनके नाम से ही पता लग रहा है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएंगे यानी ये इम्यूनोलॉजी में काम आएंगे, एंड एल्ब्यूमिन जो कि किस काम आएंगे, एल्ब्यूमिन आपके ऑस्मोलैरिटी की मेंटेनेंस में काम आएंगे, और वाटर और प्रोटीन के अलावा यहां पर आपके 1-2% क्या पाए जाते हैं आयंस वगैरह और डिजॉल्व्ड गैसेस वगैरह पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन एक्सेट्रा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको डब्ल्यूबीसी भी मिलेंगे जिनका नाम है व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट, इसके अंदर आपको दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं ग्रैन्यूलोसाइट और ए ग्रैन्यूलोसाइट। ग्रैन्यूलोसाइट में तीन प्रकार के सेल थे आपके, न्यूट्रोफिल जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट डब्ल्यूबीसी हैं, उसके बाद आपके इओसिनोफिल जिन्हें एसिडोफिल बोल दिया, देन आपके बेसोफिल, इसके अलावा आपके होते हैं यहां पर नीचे लिम्फोसाइट जिनको आप बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बोलते हो जो कि हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में। और यहां पर क्या बचा, लास्ट सेल का नाम बताओ फटाफट, फिल इन द ब्लैंक्स है तुम्हारे लिए। एक पांच प्रकार के डब्ल्यूबीसी आपके पाए जाते हैं, लास्ट वाले का नाम बता दो। मेरे पड़ोसी के बच्चे का नाम था वो, अब थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि मेरे पड़ोसी को तो तुम्हें जानना ही पड़ेगा। देखो यार तुम भाई से पढ़ाई करते हो तो एटलीस्ट तुम मोनू भाई को तो जानते ही होगे ना, तो ये हो जाएगा मोनोसाइट, राइट, ये अपने मोनू भैया है मोनोसाइट, ये भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में काम करते हैं। देन यहां पर आ जाएगा आरबीसी, देन यहां पर आ जाएंगे प्लेटलेट। अब इतनी राम कहानी यहां पर क्यों सुनाई है आपको, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर अगले 5-7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमारा एनसीईआरटी का पूरा आर्टिकल था ये, तो अगर किसी ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के अगले 7-8 क्वेश्चन एक एक सेकंड में हम लोग बना लेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं प्रश्न 3, द कलर ऑफ प्लाज्मा इज, प्लाज्मा के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते, ये अलग है, यानी इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका कलर पेल येलो कलर का होता है, फीके पीले कलर का होता है, तो इट इज स्ट्रॉ कलर्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फीके पीले कलर का होता है, विस्कस सब्सटेंस होता है, इट इज स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है। चलो प्रश्न 4, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज वॉटर, वॉटर कितना था प्लाज्मा के अंदर, मैंने आपको बताया था 90-92%। बात खत्म करते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, समझने की नहीं है, पीछे आपको पूरा एक एक चीज बता दी है, 90-92% है, ठीक है, तो सीधी सी बात है इसको खत्म करते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट, 6-8%, ये भी पीछे लिखा हुआ है, 7-8 लिख दिया था शायद, 6-8 होना चाहिए, 6-8% है, तभी 1-2% आयन बचेंगे, 6-8% आपके टू बी प्रिसाइज प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि देखो आपके ज्यादातर तो वाटर कंपोनेंट्स हैं, तो 10% और ये तो हो नहीं सकता, 2-4% सुनने में ही गलत लगता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ होगा थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होगी, तो 6-8 रेंज आपकी तब भी ठीक बैठ जाएगी। प्रश्न 6, विच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन, कोएगुलेशन में आपके फाइब्रिन पार्टिकल बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं जिसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं, फाइब्रिन किससे बनेगा, फाइब्रिनोजन से बनेगा ना भाई, ग्लोबुलिन तो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन बना रहा था, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, एल्बुमिन आपका ऑस्मोटिक एक्टिविटी दिखा रहा था, ऑस्मोटिक रेगुलेशन में काम कर रहा था, उत्तर क्या आएगा फाइब्रिनोजन, उत्तर क्या आ जाएगा 6 का ए, सिंपल सा क्वेश्चन। 7, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना प्रतिशत कॉन्टेंट बनाते हैं ब्लड का, प्लाज्मा अगर आपकी 55% है तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 45% हो जाएंगे ना, 7 का उत्तर क्या हो जाएगा बी। यह भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता रखा है कि अगर आपका प्लाज्मा है 55% तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना हो जाएगा 45%, इसीलिए आपको सारा एक साथ लिखकर बता दिया था जिससे अगले सारे क्वेश्चन मजे में निकल जाएं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बात का पता लगाना है। ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस, इम्यूनोग्लोबुलिन एकदम सही बात है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक, ओके, एल्ब्यूमिन इज मेनली द ऑस्मोटिक प्रोटीन ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक मेंटेनेंस करेगा, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, फैक्टर फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म, ये बात गलत है,
ये बात गलत है। थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन नहीं रहता, प्रोथ्रोम्बिन रहता है, इसे थ्रोम्बिन बनाना पड़ता है। फाइब्रिन फाइब्रिन नहीं रहता, आपका फाइब्रिनोजन रहता है, इसे फाइब्रिन बनाना पड़ता है। तो ये जन प्रो ये वर्ड किसके हैं? इनएक्टिवेटेड चीजों के हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। नीचे दो इनएक्टिव फॉर्म के एग्जांपल मैंने दे दिए हैं जिससे रेलेवेंस बन पाए। उत्तर क्या हो जाएगा, गलत बात कौन सी है? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। प्रश्न 9, द मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन ब्लड। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, और ये देखकर मजा आ जाएगा मुझे पर्सनली, कितने लोग कर पाते हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू सी दिस। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ह्यूमन ब्लड, न्यूट्रोफिल मोनोफिल लिम्फोसाइट, नन ऑफ दिस। ओके बताओ, सबका ए आ रहा है, सबका ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका ए आ रहा है, सबका ए आ रहा है, दैट्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दर्शना वेरी गुड, मालवी वेरी गुड। ओके परिणीता, योर आंसर इज रॉन्ग बट स्टिल तुमने देखा देखी में नहीं मारा है, एटलीस्ट कुछ अच्छा लगाया, राइट? मालवी एंड दर्शना एब्सोल्युटली करेक्ट। नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, कहां जा रहे हो भाई? ह्यूमन ब्लड के अंदर पूछा है। क्या मैंने आपको यहां पर कहीं भी बोला है कि मैं WBC की बात कर रहा हूं? WBC की क्या औकात है आपके RBC के सामने? WBC का टोटल नंबर कितना है? WBC का टोटल नंबर था 6000 से 8000 पर MMQ। अगर इसका 99% भी है कोई, समझ लो 99% सेल भी आपके न्यूट्रोफिल होते हैं, सबसे अबंडेंट, तो भाई 8000 का 99% भी कितना हुआ? 8000 ही मान लो, 100% सेल न्यूट्रोफिल होते हैं। और यहां आए आपके RBC, 5 से 5.5 मिलियन 55 लाख पर MMQ। किसका नंबर ज्यादा हुआ? ब्लड के अंदर। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे पीछे पीछे ट्रैक किया करो, मैं कभी ये नहीं पूछता कि मोस्ट अबंडेंट पे मैंने टिक कर दिया हो, मैंने ब्लड पे टिक किया है। मेरे क्वेश्चन पढ़ने के तरीके को देखा करो कि मैं कैसे क्वेश्चन पढ़ता हूं। हर सवाल का जवाब एक शब्द में छुपा रहता है, उस एक शब्द को क्वेश्चन में ढूंढना एक कला है, तब आएंगे क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? यहां पे आंसर मोस्ट अबंडेंट से नहीं आएगा, यहां पे आंसर आएगा ह्यूमन ब्लड से, तभी मैंने ह्यूमन ब्लड पे मार किया है, ना कि मोस्ट अबंडेंट पे, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट कहां है ये मैटर करता है। नेवर लेट मंकीज ईट बनाना हम लगा देते, लेकिन लगाना है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर क्या है आपका? RBC, इससे ज्यादा ब्लड में अबंडेंट कोई नहीं है। प्लेटलेट कितने होते हैं? पहली बात तो सेल बोल दिया है, तो प्लेटलेट वैसे भी पार्टिकल्स है, राइट? सेल फ्रेगमेंट्स, तो उनको वैसे भी कंसिडर नहीं करेंगे, अगर कर भी लेते हो तो 1.5 लाख से 3.5 लाख है, वो वैसे भी इसकी टक्कर में नहीं आया। समझ में आ गई बात? उत्तर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? आ गई ना, मतलब अभी टोटल की आंसर ठीक है, अभी ये मत बोलना कि आंसर की गलत है, ऐसा कुछ, आंसर की वॉज करेक्ट, हमारा क्वेश्चन पढ़ने का तरीका यहां पर मैटर करता है। चलो प्रश्न 10, नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब, एरिथ्रो का मतलब लाल लाल, साइट का मतलब सेल, 5 से 5.5 मिलियन, ये नंबर हमने जस्ट अभी पीछे लिखा था, ये लिखा हुआ है, राइट? सेम चीज यहां पर हमने टैकल कर ली। आरबीसी की शेप क्या है मैमल्स के अंदर? बाय कनकेव होती है, इस प्रकार की शेप होती है। अगर आप इसकी मोटाई देखें ना, एक आरबीसी को अगर आप काट दें तो इस प्रकार की आपको शेप देखने को मिलेगी, यहां से भी कनकेव है, यहां से भी कनकेव है, इट इज बाय कनकेव, लगभग 7 माइक्रोन आपका यहां पर आपको ये इलाका देखने को मिलता है, 7 माइक्रोमीटर का। इट इज बाय कनकेव, डिस्क लाइक इन नेचर, ठीक है? ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है बच्चों वाला। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट आरबीसी इज, सत्य वचन क्या है? आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 4 महीना 120 दिन, एकदम करेक्ट है। आरबीसी की मृत्यु हो जाती है स्प्लीन में, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, सही है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल, ज्यादातर मैमल में न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी के अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादा रखने के लिए ये न्यूक्लियस का और ऑर्गेनेल्स का, माइटोकॉन्ड्रिया का त्याग कर देते हैं। ऑल ऑफ दीज अबव, सारी बातें सच है, सारी बातें सच है। 12 का हो जाएगा डी। 13, द ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब कलर नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल आर नोन एज WBC, क्योंकि ये कलरलेस क्यों है ये पूछा है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस है, व्हाइट पिगमेंट है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑल ऑफ दीज। दो तो सीधी सीधी बकवास बातें हैं, न्यूक्लियस का कलर से कोई लेना देना नहीं है, अगर व्हाइट ही कलर का पिगमेंट है तो दिखेगा ही क्यों, व्हाइट तो वैसे ही कलरलेस होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से इट इज नॉट रेड,
और रेड नहीं है तो कलरलेस सा दिखाई देगा, दैट्स वाई इसे कहा गया WBC या ल्यूकोसाइट। 13 का उत्तर हो जाता है सी, सीधा सीधा। 14 बेसोफिल सिक्रीट्स, बेसोफिल क्या सिक्रीट करेगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर? एक एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करेगा और दो सिक्रीट करेगा आपके परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए, जिससे कि चीजें आपकी ब्लड वेसल से बाहर निकल जाए। सबका करेक्ट है यार, तुम तो बहुत तेज तरार बच्चे हो, बहुत बढ़िया। उत्तर क्या हो जाएगा? हिस्टामिन और सेरोटोनिन आपकी परमिएबिलिटी वगैरह बढ़ाएंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेंगे, और हेपरिन आपका कोएगुलेशन नहीं होने देगा, ब्लड का कत्था नहीं बनने देगा, यानी एंटी कोएगुलेंट का काम करेगा। सारे के सारे बेसोफिल बनाता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के अंदर। समझ लो चोट लग गई, जहां पर चोट लगी है वहां पर सूजन आ जाती है और रेड रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि सारे सेल्स उस इलाके पर जाना चाहते हैं जहां पर ट्रॉमा है, जहां पर चोट लगी है। तो वो ब्लड वेसल में बह रहे थे बढ़िया कि आज दिन बड़ा सुहाना है, और उसके बाद अचानक से भागकर बाहर जाना पड़ता है कि भैया चोट लग गई है। तो वहां पर जब ये निकलेंगे ना आपके ब्लड वेसल से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, उनके लिए ये सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन? एलर्जिक रिएक्शन में दो चीजें आती हैं, एक तो एंटीबॉडी और एक आपका इंपॉर्टेंट सेल। एंटीबॉडी कौन सी आती है जिसका होता जाए वो मुझे नाम भी बताएगा, और यहां पर कौन सा सेल है उसका भी नाम बताओगे। सबका करेक्ट है यार, सबका करेक्ट है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, ये तो करेक्ट है। अब जिनका होता जा रहा है वो मुझे बताएंगे कि एंटीबॉडी कौन सी आती है एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। मालवी बिल्कुल करेक्ट है, अविरूप, आफरीन, शौर्य, ऋचा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रत्युषा, दृष्टि, दीपा, इशिता, अंजलि, युविका, सबका करेक्ट है। इट्स IgE, तो इओसिनोफिल भी ई से स्टार्ट होता है, एंड IgE ये भी आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ई है। ये दोनों के दोनों आपके एलर्जिक रिएक्शन में काम आते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों NCERT की बात है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक साथ में हम इनको पढ़ लेते हैं जिससे लिंक कर पाए। समझ लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से इओसिनोफिल पूछ लिया और आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से IgE पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, तो बोथ आ जाएगा आंसर में, राइट? तो चीजों को लिंक करना इज वेरी वेरी एसेंशियल। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इओसिनोफिल यानी 15 का सी। अभी तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है और किसी भी क्वेश्चन के की में भी कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। प्रश्न 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ल्यूकोसाइट, यानी WBC के बारे में गलत बात क्या है? दे आर न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल न्यूक्लिएटेड होते हैं, RBCs आर इन्यूक्लिएटेड, इनमें तो न्यूक्लियस है। दे आर अप्रोक्सीमेटली इन एन एवरेज 6000 से 8000 पर mm³ इन नंबर, बिल्कुल सही बात है, इनका नंबर सबसे कम होता है। टू मेन टाइप्स आर ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट मैं बता चुका हूं, ग्रैन्युलोसाइट में न्यूट्रो एसिडो बेसोफिल, ए ग्रैन्युलोसाइट में मोनोभैया और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आर मोस्ट अबंडेंट, नहीं न्यूट्रोफिल आएगा आंसर, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, न्यूट्रोफिल विल बी करेक्ट थिंग, ये बात आपके आंसर हो जाएगी। डी आपका ट्रिक के बेसिस पर हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। प्रश्न 17 लिम्फोसाइट फॉर्म्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ WBC, लिम्फोसाइट कितना परसेंट WBC बनाते हैं? अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, लेट का मतलब लिम्फोसाइट, नेवर ये न्यूट्रोफिल का नंबर है, लेट मंकीज ईट और बनाना आपका 1% के आसपास, राइट, बेसोफिल। तो यहां पर क्या हुआ, सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, लेट कौन आ रहा है, नेवर लेट 20 से 25% क्या आ रहा है, लिम्फोसाइट, आंसर क्रैक हो गया, सीधी सी बात है। जहां ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है वहां पर टाइम की बचत करते हुए सीधा सीधा ढूंढ लो, हमें पता है कि 20 से 25 के आसपास थी, एक ही ऑप्शन वैसा है, देख लो ओवरऑल ट्रिक लगा करके आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। प्रश्न 18 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ बॉडी, कौन से सेल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं, टी सेल, बी सेल, बोथ, एस्ट्रोसाइट? बहुत ही बकवास क्वेश्चन है यार, बहुत ही। सबको पता है कि लिम्फोसाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, और टी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी बनने में हेल्प करता है, और बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं। टी सेल्स में मेमोरी सेल्स भी होते हैं,
इफेक्टर सेल्स भी होते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स भी होते हैं, बहुत अलग अलग काम है, तो बोथ ऑफ देम वुड बी करेक्ट। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न 19, प्लेटलेट आर, प्लेटलेट क्या है? सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, इनका नंबर है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब, ये भी सही है। ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज, भाई ने थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, है ये सेल फ्रेगमेंट लेकिन थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं इन्हें, सेल फ्रेगमेंट है, सेल नहीं बोला डायरेक्टली तो करेक्ट बात है। मेगा कैरियोसाइट से जनरेशन होती है, ये भी एकदम सही है। 1.5 लाख से 3.5 लाख नंबर है, उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सारी की सारी एनसीईआरटी की जो बातें हैं प्लेटलेट के बारे में, उन्हें ऑप्शन के फॉर्म में यहां पर फ्रेम कर दिया गया है। प्रश्न 20, एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी एंटीजन प्रेजेंट ऑन डब्ल्यू, हाउ मेनी एंटीजन प्रेजेंट और एब्सेंट ऑन WBC। शब्दों का खेल है दोस्त, शब्दों का खेल है, बताओ फटाफट कितने एंटीजन होने चाहिए। दृष्टि एब्सोल्यूटली करेक्ट, यार बताने के बाद ऐसी गलती करोगे तो कैसे चलेगा। WBC पे कौन सा एंटीजन आने लग गया भाई, वो भी ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड। कोमल एब्सोल्यूटली करेक्ट, दर्शना करेक्ट, इशिता करेक्ट। यार मैंने हिंट भी दे दिया, शब्दों का खेल है, मैंने शब्द को मार्क भी कर दिया। भाई RBC के ऊपर देखोगे ना, रेड ब्लड सेल के ऊपर देखोगे ना एंटीजन, WBC पे क्यों देखोगे, आंसर क्या हो जाएगा, बात समझे। अच्छे खासे तरीके से हिंट दिया, बकायदा वर्ड को हाईलाइट किया बताने के बाद, तब भी गलती करोगे तो एग्जामिनर तो देखो भाई तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, समझ लो। अगर मेरा बस चलता पेपर बनाने में, 3-4 क्वेश्चन मैं भी ऐसे रखता, क्योंकि मजा आता है इसमें। जब पहले वाले क्वेश्चन में मजा आया था, नया सीखा, अरे यार क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, अल्टीमेटली जब आगे चलते जाओगे ना, जब मेरे साथ 10,000 क्वेश्चन की सीरीज पूरी कर लोगे, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना और आंसर निकालना आ जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 95% बच्चे गलत करते हैं आते हुए, क्योंकि किसी ने सी नहीं बोला, किसी ने ए नहीं बोला, सबने बी बोला, क्योंकि सबको आंसर पता है। ऐसा नहीं है तुम्हें नॉलेज नहीं है, बट पूछा क्या है वो मैटर करता है। डन, चल 21, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सही बात का पता लगाना है। सरफेस एंटीजन ऑन RBC अब करेक्ट है, ऑलवेज इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बोला है वो भी, ओके करेक्ट स्टेटमेंट होनी है। ये तो गलत हो गया, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, RBC खुद को किल क्यों ही करेगी। ब्लड ग्रुपिंग, ABO इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलिलिज्म, क्या ये मल्टीपल अलिलिज्म का एग्जाम्पल है, क्या मोर देन वन टाइप ऑफ अलील यहां पर देखने को मिलता है। एक जीन का IA IB दो तो होते हैं यहां पर, छोटा आई होता है, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपियंट एज वेल एज डोनर, ये नहीं हो सकता यार, ओ आपका डोनर है लेकिन, अच्छा 21 का बी क्या कर रहे हो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ करेक्ट है, सही बात है। ये देखो रेसिपियंट और डोनर साथ साथ नहीं हो सकता, ये रेसिपियंट है पर डोनर नहीं है, ये बात गंदी हो गई। 4, फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ABO आर पॉसिबल, फिनोटाइप क्या क्या पॉसिबल है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप AB, और जीनोटाइप 5 बता रखे, यार जीनोटाइप 5 नहीं होंगे। देखो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो IA छोटा आई, IA दो तो ये हो गए, अगर ब्लड ग्रुप बी है IB छोटा आई, IB 4 हो गए, अगर ब्लड ग्रुप ओ है छोटा आई छोटा आई, अगर ब्लड ग्रुप AB है IA IB 6 हो गए ना, 6 हो गए, करके देख लिया हमने, वैसे तो 6 होते हैं, समझाने के लिए मैंने बताया है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। एक ही बात करेक्ट थी, पहले ही मिल गई थी हमें, मल्टीपल अलिलिज्म वाला करेक्ट है। एक जीन के दो अल्टरनेटिंग फॉर्म्स हो सकते हैं जिनको हम अलील बोलते हैं, यहां पर 3 है, IA IB और छोटा आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट। प्रश्न 22, अ पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट एंड हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी, विच ब्लड ग्रुप द डॉक्टर शुड इफेक्टिवली यूज इन दिस केस, यानी अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको क्या दे सकते हो, AB दे सकते हो, तो बी देखो इसका देखा हुआ नहीं है, बी पे हमला कर देगा, बचा क्या, ए वाले को ए दे सकते हो, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है ही, ये तो दोगे ही, नॉर्मल सी बात है भाई, नॉर्मल सी बात है ना, इसमें तो दिक्कत है ही नहीं, ये तो एकदम ही आसान क्वेश्चन था बेसिक लेवल का, इसमें तो कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की नहीं है, प्लस माइनस नहीं लगाया, कि अगर RH पॉजिटिव का भी अप्रोच इसमें ऐड कर देता तो ये बढ़िया क्वेश्चन हो सकता था, ये तो सिंपल है, ए वाले को ए का तो दोगे ही, ओ यूनिवर्सल डोनर है, तो ये तो लॉजिक से भी हो जाता।
इसमें तो हमारे बायोलॉजिस्ट होने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये तो आप किसी को भी बताओगे वो कर देगा। समझ पा रहे हो? इजी क्वेश्चन था, इट वॉज इजी पीजी। चले डन। प्रश्न 23, हाउ मेनी पीपल आर आरएच पॉजिटिव इन ह्यूमन पॉपुलेशन? ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर टोटल तादाद में लगभग 80% लोगों का जो ब्लड है ये पॉजिटिव होता है, सिर्फ 20% आपके आरएच नेगेटिव है, तो सबका आंसर ए आ जाना चाहिए। सबका आंसर ए आ रहा है बकायदा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, दैट्स वेरी वेरी गुड। प्रश्न 24, आरएच इनकंपेटिबिलिटी इन फर्स्ट प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन? पहली प्रेगनेंसी में आरएच इनकंपेटिबिलिटी कब आती है? फीटस हार्ट जब डेवलप हो जाए कंप्लीटली, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, जब मदर और बेबी का ब्लड एक्सपोज होगा एक दूसरे के साथ, व्हेन फीटल ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप, बच्चे के ऑर्गन बनते ही, नेवर अकर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये बात बताओ। इन दोनों में जंग कब होगी? कब एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होंगी मदर के अंदर? जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है, जिस टाइम पर प्लेसेंटल बैरियर ब्रेक होता है, उस टाइम पर थोड़ा सा बच्चे का ब्लड एक्सपोज हो जाता है मदर के ब्लड के सामने, और मदर को पॉजिटिव एंटीजन से एक्सपोजर मिल जाता है, और मदर प्रिपेयर कर लेती है उसके खिलाफ एंटीबॉडी, तभी हमें फटाफट क्या देना पड़ता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी देनी पड़ती है, रोगम देना पड़ता है, जिससे कि वो सही हो जाए। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 25, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज एचडीएन आरएच इनकंपैटिबिलिटी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। एचडीएन क्या है? एचडीएन है हेमोलिटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न, यानी नवजात शिशु के अंदर अगर ब्लड की कमी हो जाए, हेमोलिटिक डिजीज हो जाए, आरबीसी उसकी डेड हो जाए, तो वो आरएच इनकंपैटिबिलिटी की वजह से ही तो होती है, इसीलिए आरएच इनकंपैटिबिलिटी को इतना बड़ा ना बोल करके एचडीएन भी बोला जाता है मेडिकल टर्म्स के अंदर। दोनों बातें एक ही हैं। ये वाली बात फटाफट एनसीईआरटी के अंदर नोट करो, सप्लीमेंट करो यार झटपट, और उसके बाद थम्स अप दो, ये एनसीईआरटी में नोट करो फटाफट। आरएच इनकंपैटिबिलिटी के साइड में एचडीएन लिखो और इसका फुल फॉर्म लिख लो एक बार। हेमोलिटिक सीधा सा मतलब है कि आपका ब्लड का लाइसिस हो रहा है, ब्लड सेल्स का, डिजीज इन न्यूबॉर्न, लिख लिया। मालवी दृष्टि इशिता अविरूप, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26, देयर इज वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ आरएच एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस बिकॉज दे आर डैश टाइप ऑफ एंटीबॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इम्यूनोलॉजी। अगर मदर ने आरएच एंटीबॉडी बना के तैयार कर ली है और नेक्स्ट बच्चा आता है आरएच पॉजिटिव, तो उसको एंटीबॉडी आकर कैसे मार सकती है? बच्चे का ब्लड और मां का ब्लड तो अलग है, तो उसको एंटीबॉडी कैसे मार पाएगी, क्योंकि वो एंटीबॉडी किस टाइप की है? आईजीजी टाइप की है। आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी के पास एक खास बात है, सिर्फ ये वाली एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है, इसके अलावा कोई और नहीं। प्लेसेंटल बैरियर को कौन क्रॉस करेगी? सिर्फ ये वाली एंटीबॉडी यानी आईजीजी। ये बात हमें पता लगती है, इम्यूनोलॉजी में लिखने की जरूरत नहीं है, वहां बकायदा मैंने नोट्स में आपको दे रखी है ये बात, तो डरने की कोई बात नहीं है। आईजीजी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगी, उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाएगा। सोचो अगर सारी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर पाती, तो मां को बच्चे को दूध पिलाने की क्या जरूरत पड़ती? हम क्या बोलते हैं कि भाई बच्चे को स्तनपान कराइए, क्यों? जिससे कि बच्चे के अंदर एंटीबॉडी ए जा सके, जो उसको बीमारी से लड़ने में हेल्प करे। अगर सारी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस ही कर लेती, तो हम बोलते ही नहीं कि स्तनपान जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों कहा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट? भाई अगर मां का बस चलता तो वो तो गिफ्ट में देकर भेजती ना, वो तो पहले देकर भेजती, तो उसमें स्तनपान कहां से आ गया? अगर स्तनपान करने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं ट्रांसफरेबल हैं, तो कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो ट्रांसफर हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल आईजीजी। तो हर चीज को लिंक करके देखोगे, एक कहानी बनेगी बहुत बढ़िया सी। 27, करेक्ट द सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गंदी बात पकड़नी है। क्लॉट और कोएगुलम इज फॉर्म्ड मेनली बाय अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन, सही बात है, जिसमें डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं, ये बात करेक्ट है। इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड टू फाइब्रिन बाय हॉर्मोन थ्रोम्बिन। एंजाइम है या हॉर्मोन है, इस बात पर चर्चा होगी तगड़ी। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम नहीं है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, थ्रोम्बोकाइनेज, एकदम करेक्ट है, एनसीईआरटी में यही वर्ड यूज किया हुआ है।
प्लेटलेट और इंजर्ड टिश्यू रिलीज्ड सर्टेन फैक्टर्स टू इनिशिएट कोएगुलेशन, चोट लगते ही प्लेटलेट आ जाता है और बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं, ये बात भी करेक्ट है, सारी बातें करेक्ट है। हार्मोन की जगह क्या आ जाएगा, एंजाइम आ जाएगा, एंजाइम थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर देता है, थ्रोम्बोकाइनेज आया, उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, जो सोल्यूबल आपका फाइब्रिनोजन था वो इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से उसने काफी सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ट्रैप कर लिया और एक सॉलिड सरफेस बना लिया, जिसको आप बोलते हो ब्लड का क्लॉट या कोएगुलम। उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपकी गलत बात है, बाकी सारी सही थी। प्रश्न 28, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत बात का पता लगाना है। When platelet release certain factors which initiate clotting, it is known as intrinsic pathway. जब platelet खुद factors release करे तो intrinsic pathway है, सही बात है। When injured tissue, जब tissue release करे certain factors, to initiate clotting, it is called as extrinsic pathway, ये बात भी correct है। Calcium plays a minor role in clotting, देखा? Calcium क्या है आपका? Clotting factor 4 है, ये बहुत important है आपका थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेशन के लिए, मेजर रोल आएगा, ये बात गलत है, ये बात गलत है। कोएगुलेशन प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, तभी तो कथा बनता है। यहां पर दो बातें जो आपको नोट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि ब्लड क्लॉटिंग की दो पाथवे होती है, इंट्रिंसिक यानी खुद प्लेटलेट ने उसे स्टार्ट किया है, और एक्सट्रिंसिक यानी जो इंजर्ड टिश्यू है उसने उसे स्टार्ट किया है। तो फटाफट एक बार इन दोनों को लिख लो एनसीईआरटी के अंदर, ये दोनों बातें एनसीईआरटी में सप्लीमेंट करो, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन कोई पूछ ले कितने प्रकार की क्लॉटिंग कैस्केड हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, टू टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग कैस्केड आर सीन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, जो मैंने पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था, लेकिन वहां पर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इसकी नहीं हुई थी, एक्स्ट्रा एज में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन भी कर लेंगे कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में फर्क क्या है। फटाफट लिखो और थम्स अप दे दो, ओके दृष्टि आप मुझसे एक क्वेश्चन ज्यादा आगे चल रही है तो प्लीज एक बार रुक जाइए एटलीस्ट, ऑल राइट चलो बड़ी। 29, विच एंजाइम कॉजेज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में किसने कन्वर्ट किया, ये देखो यहां पे लिखा हुआ था प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में किसने कन्वर्ट किया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, एनसीईआरटी की लाइन है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, 29 का सी, सिंपल, दृष्टि ने सी ही लिखा था, मतलब शी वॉज वन क्वेश्चन अहेड एंड शी न्यू द आंसर, तो ये तो और खतरनाक बात है। आदित्य हैप्पी बर्थडे यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। चलो प्रश्न 30, ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा है, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है इन हायर ऑर्गेनिज्म, तीनों बातें पहले आ चुकी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट अच्छा शीट है आपके पास, चलो बढ़िया तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं, प्लाज्मा भी था फॉर्म्ड एलिमेंट भी था, तो सारे ही आपके करेक्ट हो जाएंगे, 30 का आंसर डी है, अभी तक कोई भी गलती की के अंदर नहीं आई है, ये और भी अच्छी बात है, करेक्ट नहीं करवानी पड़ रही। हाउ मेनी मैकेनिज्म आर देयर फॉर क्लॉटिंग इन आवर बॉडी, एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे, अभी करके हटे हैं जस्ट, एक्सट्रिंसिक पाथवे आपके डैमेज्ड टिश्यू से और इंट्रिंसिक पाथवे आपकी प्लेटलेट से, दोनों बातें कर चुके हैं, उत्तर आ जाएगा बी, तो अभी जो एनसीईआरटी में नोट किया था उसकी वजह से एक क्वेश्चन सही हो गया। लिम्फ इज नोन एज, लिम्फ अगर ये लिम्फेटिक वेसल में प्रेजेंट है ना तब ये लिम्फ है, लेकिन अगर ये टिश्यूज के बीच में गेड़ियां मार रहा है और एक्सचेंज में हेल्प करा रहा है, अगर ये यहां पर है तो ये क्या कहलाएगा, इंटरस्टीशियल फ्लूइड, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन इंटरस्टीशियल स्पेसेस, और टिश्यू फ्लूइड सिंस इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टिश्यूज, लेकिन एक बार लिम्फ वेसल में चला जाएगा तब इसका नाम प्रॉपरली क्या हो जाएगा, तब इसका नाम लिम्फ हो जाएगा, यहां पर ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। जगह अलग अलग है, नेचर सेम है, तो बोथ ए एंड बी, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक्सचेंज कौन कराता है, तो एक्सचेंज कौन कराएगा, लिम्फ अपना काम वाम करके पहुंच चुका है वेसल में, एक्सचेंज कौन कराएगा, टिश्यू फ्लूइड, वो टिश्यू के बीच में घुसा हुआ रहता है, राइट, जैसे लिम्फ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन टू ब्रेन, ट्रांसपोर्ट करेगा CO2 टू लंग्स, रिटर्न इंटरस्टीशियल फ्लूइड टू ब्लड, यानी इंटरस्टीशियल फ्लूइड जो था वो ब्लड में पहुंच चुका है, रिटर्न्स RBC WBC टू लिम्फ नोड्स, बताओ फटाफट, वही बात आ गई कि यहां पर स्पेसिफिकली लिम्फ वर्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ लिया गया है,
तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं की, यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड में जब वो आ गया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड बह करके, तो उसको ड्रेन करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या है, दैट इज लिम्फ। अब यहां पर उत्तर क्या हो जाता है आपका, सी हो जाता है, रिटर्न्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड। प्रश्न 34, फिल अप द गैप्स गिवन बिलो इन द टेबल। ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसमें एंटीजन ए है, एंटी बी है, डोनर है इन इनको, ठीक है। बी है अगर तो एंटीजन है बी, अगर एंटीजन बी है तो ए को इसने नहीं देखा तो क्या प्रेजेंट होगा यहां पे, एंटी ए प्रेजेंट होगा, एंटी ए होगा। ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो ए बी इसके अंदर एंटीजन है, एंटीबॉडी इसके अंदर कोई नहीं होगी, अच्छा है पूछा भी नहीं है इसमें कुछ। ओ है अगर तो एंटीजन इसके अंदर नील है, एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी इसके अंदर ए बी है, एंटी ए बी है, एंटी बी बी है, और देगा किसको आपका डोनर ग्रुप जो है यहां पर कौन कौन देगा इसको, ओ ही दे पाएगा, राइट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए का देख लो, ए का वन नील किसमें आ रहा है, नील सब में आ रहा है। टू देख लो एंटी ए किसमें आ रहा है, एंटी ए सिर्फ इसमें आ रहा है, आंसर डी हो जाएगा, दूसरे नंबर पे मिल गया। फिर तीसरे में देखो एंटी ए एंटी बी एकदम सही है, और चौथे में ओ सिर्फ ओ दे पाएगा, ओ वाले को एकदम करेक्ट है, चारों ही हमारे ठीक थे। तो हमने खुद से अगर चीजें लिख ली है तो गलती का कोई स्कोप ही नहीं है, एनालाइज हम कर चुके हैं, नीचे ऑप्शन नहीं देख रहे, हमने पहले टेबल को भर लिया, तो सही आ गया उत्तर, आ गया आपका चार। प्रश्न 35, सिलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया है, भगवान की दया से ऐसे ही हमने याद किया था, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, नेवर के बाद बी नहीं आएगा, नेवर के बाद एल आएगा, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, ई मत ढूंढना यहां पर, इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं, उत्तर आपका करेक्ट हो गया सी, ट्रिक की वजह से एकदम करेक्ट आंसर मिल गया। और समझ लो नहीं भी पता कि इओसिनोफिल को एसिडोफिल बोला हुआ है तो भी नेवर लेट मंकीज में ही और एंड में बनाना में ही काम खत्म हो गया, बीच में पता लग गया एक ही प्रकार का सेल है, इओसिनोफिल ही हो सकता है। प्रश्न 36, द केस ऑफ एमरजेंसी विच ब्लड ग्रुप कुड बी सेफली ट्रांसफ्यूज, इन केस ऑफ एमरजेंसी विच ब्लड ग्रुप कुड बी सेफली ट्रांसफ्यूज, ऐसा ब्लड ग्रुप जो एमरजेंसी में कहीं भी डोनेट किया जा सकता है, यानी पूछ लिया गया है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। अभी तक आपने सुना होगा यूनिवर्सल डोनर इज ओ, लेकिन ओ में भी क्या, देखो ओ में अगर आर एच पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव बंदों को ये नहीं दे सकते, नेगेटिव बंदों को नहीं दे सकते क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज बन जाएंगी, लेकिन आर एच नेगेटिव अगर ये है तो आप इसे पॉजिटिव बंदों को दे सकते हो, और नेगेटिव वालों को तो दे ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, तो ओ के बगल में लिख लो ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है एनसीईआरटी में ओ, लेकिन इट इज ओ नेगेटिव, ओके। तो यहां पर क्या करो, यहां पर इस चीज को एनसीईआरटी में लिखो ओ के बगल में कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, राइट। वाई नॉट ओ पॉजिटिव, धनाश्री, ओ पॉजिटिव इसीलिए नहीं है कि समझ लो ओ पॉजिटिव मैंने आपको दे दिया, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, आपका ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, तो अगर मैंने पॉजिटिव दे दिया है तो आपने कभी आरएच देखा हुआ नहीं है, आप एंटीबॉडी बना लोगे ना पॉजिटिव के खिलाफ, समझो, तो मैंने जितना भी ओ पॉजिटिव आपको दिया है सबका हेमोलिसिस कर दोगे और अल्टीमेटली मेरे सारे सेल्स जो मैंने आपको भेजे हैं वो डेड हो जाएंगे और कोई फायदा नहीं रहेगा। ओ नेगेटिव अगर है, आपका भी नेगेटिव मेरा भी नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई, एक बार धनाश्री एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाए, वेदर इट इज क्लियर और नॉट, इफ इट इज क्लियर लेट्स प्रोसीड। उत्तर हो जाएगा आपका आर एच नेगेटिव वाला ओ, यानी ओ नेगेटिव। प्रश्न 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड इफ हस्बैंड इज आर एच पॉजिटिव एंड वाइफ इज आर एच नेगेटिव। अगर पति आर एच पॉजिटिव है, पत्नी आर एच नेगेटिव है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नो प्रॉब्लम इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम इन फ्यूचर प्रेगनेंसी, क्योंकि पहली बार एक्सपोजर हो जाता है, एंटीबॉडी तो दूसरी बार के लिए बनी है ना, नो प्रॉब्लम इन एनी प्रेगनेंसी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ये तो गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा सी, पहली बार में बच्चा सेफ रहता है लेकिन डिलीवरी के टाइम पे उसका ब्लड इंटरेक्ट कर जाता है मदर के ब्लड के साथ, अगली बार अगर आर एच पॉजिटिव बच्चा हुआ तो हेमोलिटिक रिएक्शंस हो जाएंगे, बच्चे को अनीमिया और जॉन्डिस गिफ्ट में दे दिया जाएगा जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है। उत्तर हो जाएगा सी। 38, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स, इन इवेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन,
कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, यहां तो क्लॉट बन चुका है फाइब्रिन तो ये तो बाद में आएगा। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, यानी पहले 3 होगा फिर 4 फिर 1, क्लॉट रिट्रैक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम सबसे एंड में होगा, क्लॉट बन चुका है फिर रिट्रैक्शन होगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, थ्रोम्बोप्लास्टिन 3 4 1 2, देख लो 3 4 1 2 किसमें आ रहा है, बी में आ रहा है सी में आ रहा है, देख लो एक बार भाई, 38 का बी आ जाएगा ना, 3 4 1 2 आ जाएगा। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, ये बोला है क्लॉट रिट्रैक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम। सीरम कब लीकेज होगा, कई बार आपका जो ब्राउन कलर का जो यू नो जो क्लॉट है वो छिल जाता है, तब उस टाइम पर वहां से फ्लूइड निकलने लग जाता है, उसकी बातचीत हो रही है। उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 38 का आंसर बी है, की में भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई भी गलती की में नहीं है, दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग। प्रश्न 39, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां मिलेगा, आर्थ्रोपोड मोलस्क एनालिडा के अंदर क्लोज्ड है, कॉर्डेट के अंदर क्लोज्ड है, कॉर्डेट में ही आपकी फिशेज आ गई, एनालिडा के अंदर क्लोज्ड है, आर्थ्रोपोड के अंदर ओपन है, तो एनालिडा के अंदर क्लोज्ड है, बचा आपका ए, बचा आपका ए। उत्तर क्या आ जाएगा 39 का, ए आ जाएगा। ओपन पूछा है कि किसमें है, तो ओपन किसमें होता है, क्लोज्ड आपकी सिर्फ दो फाइलम्स के अंदर मिलता है, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, उसको छोड़ के सबके अंदर ओपन है, तो एनालिडा और कॉर्डेटा ढूंढ करके एलिमिनेट कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका ए। और अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ओपन क्लोज दो चैंबर का हार्ट किसमें है, 3 चैंबर का 4 चैंबर का, ये वो वाले क्वेश्चन है, तो इनको जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि ये सबको पता होता है। देखो मैं आपको एक समरी बता देता हूं, पाइसिस जो है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इनके अंदर क्या होता है, पाइसिस के अंदर दो चैंबर का हार्ट है, दो चैंबर का हार्ट है, एक आपका ओरिकल है एक आपका वेंट्रिकल है। आपका एम्फीबियन और रेप्टाइल के अंदर 3 चैंबर का हार्ट है, 3 चैंबर का हार्ट है, कैसा हार्ट है मेरे दोस्त, आपके दो ओरिकल है ऊपर एक नीचे वेंट्रिकल है। एव्स और मैमल के अंदर 4 चैंबर का हार्ट है, 4 चैंबर का अगर हार्ट है, 2 आपके ऊपर ओरिकल 2 नीचे वेंट्रिकल। ये बात खत्म हो गई। एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स के अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैंबर का हार्ट होता है, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, रेप्टाइल होने के बावजूद ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पर 2 चैंबर का हार्ट है, तो यहां पर सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, एक बार ब्लड सिर्फ सर्कुलेट करता है, सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने को मिली। 3 चैंबर का हार्ट है अगर इसमें, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिली, 2 सर्कुलेशन हो सकती थी, लेकिन इनकम्प्लीट क्यों बोला है, इनकम्प्लीट इसलिए बोला है क्योंकि दोनों ओरिकल से ब्लड आकर के वेंट्रिकल में मिक्स हो गया। यहां पर अगर आप और नीचे देखेंगे लास्ट केस के अंदर, तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग साइड में प्रेजेंट है राइट साइड में, और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग साइड में प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे के 10-12 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैसे भी काफी बेसिक चीज है बट स्टिल एक बार लिख लिया हमने। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन क्लोज कहां मिलता है, एनालिडा और कॉर्डेटा में, सिर्फ एनालिडा और कॉर्डेट, मोलस्क में नहीं होगा, आर्थ्रोपोड में नहीं होगा, मोलस्क में नहीं होगा, काम खत्म, उत्तर आ जाएगा डी। ज्यादा टाइम पास किसमें आवश्यकता है नहीं, हम जानते हैं 2 ही फाइलम के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी का सिस्टम मतलब क्या है, जहां पर टिश्यूज आपके बात हो जाए ब्लड के अंदर, प्रॉपर आपकी हर टिश्यू तक कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स ना जा रही हो, देर इज नो हार्ट, ये तो गलत बात है, देर इज नो नीड फॉर ब्लड वेसल्स, की नीड नहीं है हमारे पास तो है, जरूरत नहीं है, ये गलत बात है, देर आर ओपन स्पेसिस और साइनसेस इन द बॉडी, ओपन स्पेसिस के अंदर ब्लड बहता रहता है, और डी ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई, सीधी सी बात है, हार्ट नहीं है ये तो गलत बात हो गई, तो डी तो वैसे गलत हो गया। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी हार्ट है ना, आपने हार्ट और एलारी मसल्स पड़ी हुई है कॉकरोच के अंदर, बात तो गलत हो गई। देर इज नो नीड ऑफ ब्लड वेसल, कि ब्लड वेसल की जरूरत नहीं है भैया, हम तो अपना देख लेंगे, भाई कौन डेवलप नहीं होना चाहता जिंदगी में, सब चाहते हैं, लेकिन यहां पर ओपन स्पेसिस और साइनसिस है जिनके अंदर ब्लड खुला बह जाता है, लार्ज वेसल्स है जो ओपनली नलका खोल देती है, भाई कहीं भी जाओ कुछ भी करो, उत्तर हो जाएगा आपका सी।
प्रश्न 42, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें है? कॉकरोच में, फिश में, स्कॉर्पियन में, मॉलस्क में। मेरे भाई यहां पर आपके दो आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, कॉकरोच और स्कॉर्पियन। यहां पर मोलस्क आपका मोलस्का का मेंबर है, ऑब्वियसली मोलस्क पूरी फाइलम का नाम दे रखा है। फिश आपका क्या है? कॉर्डेट है, फिश कॉर्डेटा है। तो क्लोज्ड किसमें होगी? कॉर्डेटा में होगी। काम खत्म करो, आगे बढ़ जाओ। प्रश्न 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड किसमें होगा? अर्थवर्म आपका एनेलिड है। हमें पता है कि भाई एनेलिडा और कॉर्डेटा के अंदर सिस्टम होता है। स्पंज आपका पॉरीफेरा है, हाइड्रा आपका और भी नीचे प्रेजेंट है, सिलेंट्रेटा और इन सब के साथ। कॉकरोच आपका आर्थ्रोपोडा में है। काम खत्म हो जाता है, राइट? तो बात क्या हो जाती है? उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि ये एनेलिडा का मेंबर है। प्रश्न 44, सिंगल हार्ट सर्किट अकर्स इन, यानी सिंगल सर्कुलेशन किसमें होती है? मैन आपका क्या है? आपका मैमल है, रेप्टाइल, फ्रॉग आपका एम्फीबियन है, फिशेज आपकी पाइसेस है। तो इसमें दो चैंबर प्रेजेंट है, दो चैंबर है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, तो इसी के अंदर होगा ना सिंगल सर्किट। फ्रॉग और रेप्टाइल के अंदर तीन तीन चैंबर है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मैन के अंदर चार चैंबर है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ए। 45, फोर चैंबर हार्ट इज फाउंड इन। फोर चैंबर हार्ट किसमें मिलेगा? क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। तो सारे रेप्टाइल दिए हैं आपको, कोबरा, टॉर्टोइस, सेलेमेंडर, क्रोकोडाइल, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, तो ये हो जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार हम इसे थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। फिशेज के अंदर दो चैंबर का हार्ट है, फिशेज के अंदर दो चैंबर, ए का हो जाएगा फोर, ए का हो जाएगा फोर, ए का थ्री दे रखा है इसमें गलत बात है, ए का टू दे रखा है इसमें गलत बात है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें ए बताई नहीं रखा, इसमें ए बताई नहीं रखा, ठीक है। एम्फीबियन और रेप्टाइल के अंदर होता है तीन चैंबर का, यानी बी सी का हो जाएगा वन, बी सी का हो जाएगा वन, ये बात करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट हो गया। और देख लेते हैं, बर्ड के अंदर, मैमल्स के अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है? चार चैंबर, तो डी एफ का होना चाहिए टू, डी एफ का फोर दे रखा, गलत हो गया। उत्तर हो जाएगा आपका बी। सीधा सीधा हमें मिल गया है एम्फीबियन और रेप्टाइल का थ्री चैंबर्ड हार्ट। उत्तर हो जाएगा आपका 46 का बी। प्रश्न 47, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फाउंड इन, तीन चैंबर का हार्ट ढूंढ लो, एम्फीबियन के अंदर, रेप्टाइल के अंदर, दोनों के अंदर पाया जाता है। एक्सेप्शन की बात जनरल केसेस में हम नहीं करते, अलग से क्रोकोडाइल बोला होता तो मान लेते, फिशेज में नहीं आएगा, इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें आ जाएगा? एम्फीबिया रेप्टाइल। उत्तर आ जाएगा आपका डी। प्रश्न 48, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से गया, बॉडी में पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड हार्ट तक पहुंचा, सिंगल सर्कुलेशन है, एक बार हार्ट में ब्लड आ रहा है। डायग्राम रिप्रेजेंट सर्कुलेशन इन सिंगल सर्कुलेशन, किसमें है? फिशेज के अंदर, पाइसिस। आपका आंसर हो जाएगा 48 का ए। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, दो ही चैंबर हैं, सीधा एक बार सर्कुलेशन किया, काम खत्म। 49, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल कॉमन है, यानी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तीन चैंबर का हार्ट। गिवन डायग्राम किसमें सर्कुलेशन बता रहा है? एम्फीबियन में तीन चैंबर का होता है, रेप्टाइल में, बर्ड में दो चैंबर का होता है, तो डी आंसर नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा बोथ एंड बी। बात समझ में आई? ये सेम क्वेश्चन है, अभी रिपीट हुआ, यहां पर पूछा गया था ना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फाउंड इन 47, सेम क्वेश्चन डायग्रामेटिकली पूछ लिया 49 में, कोई नई बात नहीं है। अगर आपको 47 आता था, आपको 49 भी आएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट? चलो 50, डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन। डबल सर्कुलेशन कैसे और कहां पाई जाती है? डबल सर्कुलेशन, चार चैंबर का हार्ट चाहिए, तो बर्ड के अंदर चार चैंबर का है, मैमल्स के अंदर चार चैंबर का है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन चार चैंबर का है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। भाई बैट बॉल उठा दो एक बार, बहुत बढ़िया। वी हैव डन 50 क्वेश्चंस एंड वी डू हैव अराउंड 151 क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। इट मींस दैट वी आर अराउंड 30% डन फॉर टुडे। और टाइम यार अच्छा खासा लग गया है, 4:30 बजे स्टार्ट किया था, 50 मिनट हो गए हैं, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन, यानी यहां पर अच्छा खासा टाइम लग रहा है। इस हिसाब से हमें 2.5-3 घंटे लग जाएंगे एक चैप्टर के अंदर। और अगले वाला चैप्टर और बड़ा है, एक्सक्रीशन, उसके अंदर और अच्छे क्वेश्चन है, 149 के आसपास क्वेश्चन है, उसको भी सोच रहे थे आज थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा और फास्ट कर देते हैं, नो इश्यूज। 51, हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, हार्ट किससे डिराइव किया जाता है? इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, बिना टाइम खराब किए 51 का सी, राइट? मेसोडर्मल होता है हार्ट हमेशा। इन फिशेज द ब्लड सर्कुलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, सिंगल सर्कुलेशन आपको दिखाई हुई है,
द गिवन फ्लो ऑफ ब्लड इंडिकेट्स दैट इट इज डबल सर्कुलेशन, सिंगल, इनकम्प्लीट सिंगल, इनकम्प्लीट डबल. इनकम्प्लीट सिंगल कुछ नहीं होती, एक बार हार्ट में आना ही पड़ेगा. तो उत्तर क्या हो जाता है यहां पे 52 का, डबल सर्कुलेशन सबका करेक्ट है. दैट्स वेरी वेरी गुड. 53. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. गंदी बात कौन सी है? हार्ट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, पहले मिल गया भाई, फॉल्स है ना. हार्ट कैसा होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, तो एक्टोडर्मल क्यों ही होगा. इन ह्यूमन बींग्स हार्ट थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में, लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा टिल्टेड होता है इसका बेस या एपेक्स. ह्यूमन हार्ट का साइज क्लेज्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी जितना होता है, एकदम करेक्ट है. हार्ट के ऊपर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग यानी पेरिकार्डियम प्रेजेंट रहता है और इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन और एब्रेशन से बचाता है. उत्तर हो जाएगा आपका ए, मीजोडर्मल इन ओरिजिन. 54. सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ थिक स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग. मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स बताने हैं. इंटर एट्रियल सेप्टम यानी ये अगर आपका हार्ट है तो इंटर एट्रियल सेप्टम काफी पतला होता है, ये आपका थिन है, राइट. इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल बहुत मोटे होते हैं भाई, यहां पर ये आपका थिक होगा, ये आपका थिक चाहिए, राइट. एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आपका थिक है और फाइब्रस है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका थिक है, फाइब्रस है. और वॉल ऑफ वेंट्रिकल भाई, यहां पर आपके बंडल ऑफ हिस घुसे रहते हैं, परकंजी फाइबर बना हुआ रहता है, ये आपकी और थिक रहते हैं. यानी अल्टीमेटली तीन चीजें थिक है, ए को छोड़ के तीन चीजें थिक है. उत्तर हो जाएगा 54 का सी, सबका करेक्ट है. दैट्स वेरी वेरी गुड. चार चीजों में से तीन चीजें थिक है, सिर्फ एट्रियम छोटे छोटे रहते हैं तो वहां पर उनके बीच में पतली सी लेयर प्रेजेंट रहती है, इट वॉज थिक. हाउ मेनी पेपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट ऑन राइट वेंट्रिकल. अगर ये आपका हार्ट है, अगर ये आपका हार्ट है, इसमें आपके ऊपर दो एट्रिया है, नीचे दो अगर आपके वेंट्रिकल है, तो यहां पर आपकी ट्राई कस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है, यहां पर बाय कस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है, यहां पर मैंने आपको बताया था कॉर्डे टेंडेने है. तो कॉर्डे टेंडेने क्या करते हैं, पेपिलरी मसल से अटैच करते हैं. तो राइट साइड में कितनी पेपिलरी मसल हुई, तीन हुई ना, राइट साइड में तीन हुई, और यहां पर कॉर्डे टेंडेने इसे जिस पेपिलरी मसल से अटैच करेंगे कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी. तो तीन एंड दो, अगर कोई राइट साइड में पूछे तो आपकी क्या हो जाएंगी, तीन. अगर कोई लेफ्ट साइड में पूछे तो हो जाएंगे आपकी दो. तो राइट में पूछी है, उत्तर हो जाएगा तीन, सबका सी आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट. इजिली निकालना है, राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है बस, जितने आपके कस्प इन अ वॉल्व उतने आपके पेपिलरी मसल्स. एपेक्स ऑफ हार्ट इज, यानी हार्ट का जो आपका बेस स्ट्रक्चर है वो आपका किस साइड में टिल्टेड रहता है, ये आपका लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहता है ना, आपका लोअर साइड में होगा और लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहेगा. तो ये लोअर होता है और लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहता है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. उत्तर हो जाएगा बी, राइट. लोअर होगा, पहले तो दो अपर वालों को कैंसिल कर दो, फिर इसमें से राइट वाले को कैंसिल कर दो, उत्तर क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा. प्रश्न 57. Which of the following organs has papillary muscle? Papillary muscle अभी कहां पड़े थे, tricuspid वाली साइड में तीन papillary आपके muscles and left में आपके दो, तो कहां प्रेजेंट थे, ciliary body, legs, memory gland या wall of heart? भाई हार्ट को कनेक्ट करता है ना, हार्ट की वॉल से कनेक्ट करता है आपकी ऊपर की tricuspid और bicuspid walls को, तो हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, wall of heart. Done. 58. द फुल फॉर्म ऑफ लेबल ए इन द डायग्राम. ए क्या है, अच्छा ए ये है, तो ए क्या है आपका यहां पर, एस ए नोड है, पेस मेकर. क्या हो जाएगा, साइनियो एट्रियल नोड, सीन एट्रियल नोड नहीं होगा, साइनो नहीं है, साइनस नहीं है, साइनो है, साइनो एट्रियल नोड. क्या हो जाएगा उत्तर, एस ए नोड इज सी. यानी यहां पर तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट लिया गया है, स्पेलिंग पूछ ली गई है कि भाई स्पेलिंग क्या होगी ये बता दो, बाकी हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है. ये देखो यहां पर कॉर्डे टेंडने दिखा रखे हैं ना, ये पेपिलरी मसल से ज्वाइन करते हैं, ये वाले डायग्राम थोड़ा ब्लैक है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, एनसीईआरटी में क्लियर, ठीक है, डन. 59. बंडल ऑफ हिस कंसिस्ट ऑफ, यानी ये जो बंडल ऑफ हिस है यहां पर, ये जो बंडल ऑफ हिस दिखाई दे रहे हैं, ये किस किस चीज से बने हैं बंडल ऑफ हिस, आगे चल के ये परकंजी फाइबर भी बनाएंगे. तो ओवरऑल बंडल ऑफ हिस यानी बड़ी चीज पूछी है, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, परकंजी फाइबर या एवी बंडल. एवी बंडल पहले आता है, फिर बंडल ऑफ हिस में डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट बंडल में, और परकंजी फाइबर तो उसी की ब्रांचिंग से बने हैं. तो उत्तर क्या आ जाएगा, राइट लेफ्ट परकंजी,
राइट लेफ्ट परकंजी 59 का उत्तर क्या जाएगा, ए एकदम करेक्ट है भाई। राइट लेफ्ट और परकंजी जो बने हैं इस पूरे को क्या बोल दिया, क्यूमुलेटिवली बंडल ऑफ हिस बोल दिया। ऊपर तो आपका ए भी बंडल अलग से प्रेजेंट था, बाद में जब वो दो में फटा तब जाकर के आपका बंडल ऑफ हिस स्टार्ट हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 59 का, ए एकदम करेक्ट है। 60, बाइकस्पिड या मिट्रल बॉल जो है ये किसके बीच में पाया जाता है, ये वाला देखो यहां पर डायग्राम बनाया था हमने, ये वाला बाइकस्पिड है, किसके बीच में पाया जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। उत्तर ढूंढ लो, LA और LV के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, पहला ही मिल गया। उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, अलग से हाथों से प्यारा प्यारा बनाकर देखा था, सेम क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 61, ट्राइकस्पिड किसके बीच में प्रेजेंट है, आपका राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ढूंढो मारो आगे बढ़ जाओ। 61 का क्या हो जाता है, डी हो जाता है, अभी तक की के अंदर कोई भी गलती नहीं है। देन आगे 62, कॉर्ड टेंडने आर फाउंड इन, कॉर्ड टेंडने कहां पाए जाते हैं, जॉइंट एट्रिया ऑफ हार्ट, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, कॉर्ड टेंडने कहां देखने को मिले भाई। कॉर्ड टेंडने आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को नीचे कनेक्ट कर रहे थे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कहां प्रेजेंट है, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में, नीचे क्या होंगे, सिर्फ वेंट्रिकल्स। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सिर्फ वेंट्रिकल्स। कॉर्ड टेंडने कहां थे, यहां देखो भाई, एट्रिया से तो आ चुकी है ना, इसके बीच में वॉल प्रेजेंट है, नीचे है यहां पर कॉर्ड टेंडने आपका नीचे कनेक्ट कर रहा है इन्हें, कहां पर, वेंट्रिकल्स के ऊपर, ठीक है। वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड एज कंपेयर टू एट्रियम, बिकॉज वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड क्यों है, इट इज टू रिसीव ब्लड फ्रॉम एट्रिया, ब्लड तो वैसे भी जाता, इट इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड, तो मोटा होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इट हैज टू पंप ब्लड, ये पंप करेगा ब्लड को मोर कॉन्ट्रेक्शन के लिए, एंड दैट्स व्हाई इसमें क्या होगा, ये इतना जोर से पंप होना चाहिए कि बढ़िया पंपिंग, बढ़िया तरीके से ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे, और इसीलिए यहां पर इसे थिक वॉल दी गई है, जिससे कि इसको पूरा घेर करके पंप किया जाए। सिर्फ ऐसे नोड की एक्टिवेशन से आपके एट्रिया पंप हो गए थे छोटे से छुटुक छुटुक, लेकिन अब वेंट्रिकल में पूरा इनको घेर करके पंप किया, जिससे कि इतना जोर का प्रेशर लगे कि आगे कई दूर तक गाड़ी चलती हुई जाए, राइट। जैसे तुम बाइक चलाते हुए जाते हो, वैसे तो तुम शहंशाह बनते हो व्हाट्सएप के स्टेटस पे, लेकिन ढलान आती है तो काफी बार चाबी बंद करके लुढ़काते हुए ले जाते हो, क्योंकि इनिशियल प्रेशर इतना है, पहले बहुत तेज स्पीड में भगाई और उसके बाद नीचे ढलान आ जाती है ना, तो चाबी बंद कर लेते हो और मस्त एकदम फ्री में एकदम पेट्रोल बचाते हुए नीचे तक लुढ़काते हुए ले जाते हो, तो वो क्या है कि पहले ही स्पीड इतनी थी कि उसके बाद थोड़ी दूर तक तो तुम अच्छे तरीके से जाओगे, और ढलान है तो काफी दूर तक जाओगे। यहां पर यही है कि वेंट्रिकल्स को घेर के इतना बढ़िया पंप करो कि ब्लड रुके ही ना, एक साइकिल पूरी मार के ही आए, डन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट हैज टू पंप ब्लड, इसीलिए मोटे मोटे यहां पर आपके लेयर्स प्रेजेंट है। 64, पैपिलरी मसल्स आर लोकेटेड इन, पता नहीं यार इस क्वेश्चन में क्या इतना क्या पूछ लिया है। पैपिलरी मसल्स आपके हार्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, स्किन में नहीं है, स्टमक में नहीं है, वर्टिब्रेटाइज में भी नहीं, वो च्यवनप्राश वाला क्वेश्चन है ये, जबरदस्ती बना रखा है। पैपिलरी मसल कहाँ है, तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका, मुझे पता नहीं है इस क्वेश्चन में इतना क्या अद्भुत है। माना कि पैपिलरी मसल्स भाई एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, बट स्टिल एक ही बार पढ़ने पे भी समझ में आ जाएगा, इतने क्वेश्चंस नहीं करने भाई। परकंजी फाइबर कहाँ है, स्किन ब्रेन किडनी हार्ट, बंडल ऑफ हिज परकंजी फाइबर वेंट्रिकल्स को घेरते हैं जाकर के, कहाँ होंगे, हार्ट के अंदर होंगे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थिकेस्ट वॉल, ये अच्छा क्वेश्चन, थिकेस्ट वॉल कहां होंगी। अब वेंट्रिकल की थिक वॉल होती है तो पहले तो ऑरिकल काट दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। वेंट्रिकल में थिक वॉल होती है, बताओ लेफ्ट में या राइट में ज्यादा बड़ा कौन है, थिकेस्ट वॉल कहां होगी भाई। लेफ्ट वेंट्रिकल में एपेक्स है ना ज्यादा, आपका बड़ा कौन है, नॉच कहां है। अगर ये आपका हार्ट है तो आपका ज्यादा किस साइड झुका हुआ है, आपका लेफ्ट साइड झुका हुआ है ना, तो ओवरऑल सबसे थिक वॉल कहां मिलेगी आपको, सबसे मोटी वॉल जो है, अगर यहां पर वेंट्रिकल्स को घेरने के लिए वॉल है तो यहां पर आपकी ये वॉल होगी, तो यहां पर देखो अगर इतनी थिक है तो लेफ्ट साइड में एक जगह पर इतनी थिक हो जाएगी, बात समझ में आई। लेफ्ट वेंट्रिकल में एक जगह पर मोटाई सबसे मैक्सिमम हो जाएगी, दैट्स वाई क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट। और ऊपर से लेफ्ट साइड का ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, ज्यादा प्रेशर चाहिए ही चाहिए, तो थिकेस्ट वॉल आपकी वहां पर प्रेजेंट है, बात हो गई बी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर भी यही होता है, अगर पूछ ले कोई तो इसको फटाफट एनसीईआरटी में नोट कर लो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर अगर कोई हार्ट का पूछ ले
लेफ्ट साइड आपकी वैसे भी स्ट्रॉन्गर होती है और वेंट्रिकल आपका वैसे ही मोटी मोटी मसल्स कैरी करता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो जाएगा, एलवी ही हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ही हो जाएगा, इसको भी लिख लेना। 67, हार्ट ऑफ हार्ट इज, दिल का दिल कौन है, यानी हार्ट का हार्ट कौन है, पंपिंग में कौन हेल्प करता है, कौन है पेसमेकर, यह है उत्तर, राइट, सवाल में जवाब है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर तुम्हें तुक्का भी लगाना होता तो भी तुम लगा लेते भाई, ऐसे नोट आ गया, दिल को भी कौन धड़का रहा है, दिल धड़कने से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है लेकिन दिल को कौन धड़का रहा है, ऐसे नोट, राइट, तो ऐसे नोट को हार्ट ऑफ हार्ट लिखो फटाफट एनसीईआरटी के अंदर, फटाफट सप्लीमेंटेशन कर लो, ऐसे नोट इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ हार्ट, एग्जैक्टली मालवी, ऐसे नोट इज द पेस मेकर, और अगर पेस मेकर कभी काम नहीं कर पाता है तो पेस सेटर आता है, दैट इज एवी नोट, इट इज पेस सेटर, इसकी कॉन्ट्रेक्चुअलिटी की क्षमता थोड़ी सी कम है, जैसे ऐसे नोट 72 बार दिल को धड़काता है, एवी नोट सिर्फ आपका अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेंज है 45 से आपका 55 के आसपास धड़का देता है, डन, चल। 68, ऐसे नोड इज लोकेटेड इन, ऐसे नोड कहां लोकेटेड है, ऐसे नोड कहां लोकेटेड था, राइट एट्रियम में, अपर राइट साइड में, तो अपर राइट साइड में, अपर ढूंढ लो, लेफ्ट नहीं है, अपर राइट साइड में, राइट एट्रियम में, ठीक बात है भाई, अगर ये हार्ट था आपका राइट साइड में, ऊपर वाला जो पार्ट है राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के भी अपर राइट साइड में था ऐसे नोड, और लोअर लेफ्ट साइड में था एवी नोड, तो कोई एवी नोड पूछ ले तो लोअर लेफ्ट, ऐसे नोड पूछ ले तो अपर राइट, उत्तर क्या हो जाएगा, 80 कह रहा हूं, 68 का डी। 69, ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, कार्डियोजेनिक, डायोजेनिक, जबरदस्ती की बात है यार, फटाफट बताओ, ह्यूमन हार्ट कैसा है, ऑटो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की पावर है उसके अंदर, खुद को खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बार बार नर्वस सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं करता, इसके पास पेसमेकर है, ऐसे नोड है, क्या हो जाएगा ये दोस्त, ये हो जाएगा मायोजेनिक, इसको बार बार नर्वस सिग्नल की जरूरत नहीं है, न्यूरोजेनिक नहीं होता क्योंकि हमारे पास है एस ए नोड, राइट, चलो प्रश्न 70, ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न 70, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के लिए कौन सी चीज गलत है, पेसमेकर ह्यूमन हार्ट के लिए है, मिट्रल वॉल बाइकस्पिड को बोला जाता है, चार चैंबर बिल्कुल है, न्यूरोजेनिक नहीं है, मायोजेनिक है, अभी थोड़ी देर में पढ़ के हटे 10 सेकंड पहले, मायोजेनिक टर्म हमारे लिए है, न्यूरोजेनिक हमारे लिए नहीं, कुछ इंसेक्ट्स का हार्ट रहता है विच इज न्यूरोजेनिक, हमारे लिए मायोजेनिक इज द इंपॉर्टेंट टर्म। रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, कितनी बार दिल धड़केगा यह किस पे डिपेंड करता है, ऐसे नोड, एवी नोड, परकंजी फाइबर, पैपिलरी मसल, ये तो बकवास बात है, ऐसे नोड और एवी नोड में से कौन डिटरमाइन करता है हार्ट कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, 72 टाइम्स, 70 to 75 टाइम्स, इंपल्सेस कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड, पेसमेकर, भाई इसीलिए तो इसे पेसमेकर बोला है ना, जितनी बार ये सिग्नल जनरेट करेगा, जितनी बार ये इंपल्स जनरेट करेगा, उतनी बार दिल धड़केगा, तो दिल धड़काने के पीछे किसका राज है, ऐसे नोड, ये प्यार व्यार धोखा है, प्यार में दिल धड़कते हैं, दिल मिलते हैं, कुछ नहीं भाई, ये कर रहा है सब कुछ, ऐसे नोड है, ठीक है, भ्रम है तुम्हें, गाने ज्यादा मत सुना करो, ऐसे नोड इज द थिंग दैट हेल्प्स इन द इंपल्स जनरेशन, प्यार मोहब्बत का नाम खराब है बस, सब कुछ करे ऐसे नोड और नाम लग जाए 9th C वाली रिया का तो ऐसा बिल्कुल गलत है दोस्त। 72, इन एम्फीबिया द हार्ट हैज, एम्फीबिया में हार्ट के अंदर क्या है, एम्फीबिया रेप्टाइल, 3 चैंबर, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल, 3 चैंबर, जल्दी जल्दी करते हैं, डन, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, सीधी सी बात है, पहले पढ़ चुके हैं आज ही के लेक्चर में, तो दिक्कत नहीं है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 4 चैंबर, एप्स मैमल्स की और क्रोकोडाइल की बात हो रही है, 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल नहीं होते, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 1 साइनस वेनोसिस यानी आपका एक्सेसरी चैंबर, ये आपके फिशेस की बात हो रही है, राइट, चलिए। 73, ऐसे नोड इज कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ हार्ट, वाई, ऐसे नोड को पेसमेकर क्यों बोला, इट कैन चेंज द कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी जनरेटेड बाय एवी नोड, मतलब जनरेट करता है एवी नोड, ये सिर्फ चेंज करेगा नहीं,
इट डिलेज द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको धीमा कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट गेट स्टिमुलेटेड व्हेन इट रिसीव न्यूरल सिग्नल, हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक है ही नहीं, मायोजेनिक है। इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, कि अगर मिनट में 72 बार धड़कना है तो धड़कना है, कितने इंपल्स जनरेट करने हैं, हर 0.8 सेकंड में इंपल्स जनरेट करना है तो ये करके रहेगा विदाउट अ डाउट। उत्तर क्या हो जाता है, 73 का डी हो जाता है। प्रश्न 74, साइनो एट्रियल नोड या एस ए नोड कितने इंपल्स जनरेट करता है एक मिनट के अंदर, एक मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, एवरेज 70-75 टाइम्स, यानी एवरेज निकालोगे तो 72 टाइम्स पर मिनट, तो इतनी बार ऐसे नोड सिग्नल देता होगा, जाहिर सी बात है ये आपका ऐसे नोड का डेटा हो जाएगा। 50 से 55 वाला डेटा आपका एवी नोड के लिए करेक्ट है, लेकिन मेन जनरेशन कौन करेगा, एस ए नोड। प्रश्न 75, द इंपल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी सिग्नल कौन देता है हार्ट बीट जनरेशन के, ऐसे नोड या एवी नोड, सिंपल सी बात है यार, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के, इट्स ऐसे नोड, ये तो काफी बार पढ़ चुके हैं। 76, रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, यार वही बात है, हार्ट रेट कौन डिटरमाइन करेगा, जितनी बार सिग्नल जाएंगे उतनी बार दिल धड़केगा, ऐसे नोड। ऐसा लगता है कि 5 क्वेश्चन ट्रिब्यूट है टू द ऐसे नोड, कि सिर्फ ऐसे नोड ही आंसर है, ऐसे नोड ही क्वेश्चन है, इसी की चर्चा होगी बस। बंडल ऑफ हिज इज अ ग्रुप ऑफ, बंडल ऑफ हिज जो थे ये क्या थे, जो अलग अलग वेंट्रिकल्स तक लेकर जा रहे थे सिग्नल को, गैंग्लिया थे, नर्व फाइबर थे, कनेक्टिव टिश्यू थे या मसल फाइबर थे। देखो गैंग्लिया और नर्व फाइबर नहीं हो सकता है उत्तर, क्योंकि हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है भाई। अगर हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है तो ये दोनों न्यूरॉन से रिलेटेड तो सीधा खत्म हो गए। क्या ये कनेक्टिव टिश्यू है, अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्शन में हेल्प करेगा, सिग्नल कैसे लेकर के जाएगा, तो ये क्या हुए, बचा क्या रिमेनिंग, मसल फाइबर। तो ये तो एलिमिनेशन से कर सकते हो ना, ऊपर वाले तो वैसे एलिमिनेट होगा क्योंकि हार्ट मायोजेनिक है, अगर मायोजेनिक है तो मायो का मतलब क्या होता है, मसल है ना, तो सिग्नल कौन लेकर के जाएगी, मसल लेकर के चली जाएगी, राइट। गैंग्लियॉन्स आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स 3-4 आकर के एसोसिएट हो गए, दैट फॉर्म्स अ गैंग्लिया, यानी एक प्रकार से नर्व फाइबर तो एक थोड़ी बड़ी चीज हो गई ब्रॉड लेवल पे, थोड़े से न्यूरॉन आकर के एक छोटा झुंड है, वो है आपका गैंग्लियॉन, एक तरीके से समझने के लिए ये मान सकते हैं। प्रश्न 78, बंडल ऑफ हिज इज फाउंड इन राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम या बोथ एंड बी, राइट एग्जैक्टली, नर्व का गुच्छा बोल सकते हैं, ये तुमने साइंटिफिक बात कर दी ना, मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा था, लेकिन तुमने जो नर्व का गुच्छा बोल करके सामने वाले के दिमाग के कपाट खोल दिए, ये अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, चलो क्या करते हो यार तुम लोग, सही है। बंडल ऑफ हिज इज फाउंड इन, कहां पाया जाता है, अभी वेंट्रिकल को जाकर घेरेगा तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद फट गया था और आपके दोनों वेंट्रिकल्स के एजेस तक पहुंच चुका था, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इज द करेक्ट आंसर। जैसे हार्ट देखो, ये हार्ट है, ये आपके ऑरिकल्स है, ये आपका वेंट्रिकल है, इसका मोटा सा पार्ट है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहां पर ये बंडल आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और आपके अलग अलग वेंट्रिकल को साइड से जाकर के उनकी वॉल्स में घेर लेंगे, तो ये क्या हुआ, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट हुआ, ये बात है, डन। चलो 79, एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो और लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी एट्रिया को वेंट्रिकल में खोलने वाली वॉल्व कहां से कहां बैक फ्लो को रोकेगी, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, कि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड ना जाए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ना जाए, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जाए, सॉरी एरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जाए, पल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम में ना जाए, बताओ। कहा गया है, कवि कहना चाहते हैं कि अगर ये हार्ट है, इसके ऊपर दो एट्रिया है, नीचे दो वेंट्रिकल है, समझ लो ये वाली वॉल्व है जो एट्रिया को वेंट्रिकल में, एट्रिया के कंटेंट को वेंट्रिकल तक पहुंचाती है, ये वॉल्व वापस नहीं जाने देगी, कहां से नहीं जाने देगी भाई, वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाने देगी ना, तो वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाने देगी, अब चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो भाई, एट्रिया से वेंट्रिकल में तो आने ही देगी, वन वे वॉल्व है ना, आने तो देगी जाने नहीं देगी, तो ये बात तो गलत हो गई। अब आपकी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड का पूछा है, तो पल्मोनरी वेन और एरोटा के बारे में बात नहीं करेंगे, सेमी लूनर वॉल्व की बात नहीं हो रही है, उत्तर बचा आपका एक, दैट इज ए।
कि भाई वेंट्रिकल में चीज आ चुकी है, इनको वापस नहीं जाने देंगे एट्रिया में, इसको प्रिवेंट करेंगे। ये बात तो आ सकती है, जा नहीं सकती, ये बात है, राइट। चलो अभिरूप, क्या सेशन में अकेला लड़का हूं? भाई मैं भी हूं। तो ऐसे मुझे मत छोड़ो यार अकेले, मुझे फिर डर लगेगा बहुत ज्यादा। हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय ह्यूमन हार्ट इन वन मिनट? एक मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, कितनी सर्कुलेशन होंगी, फटाफट बताओ। एक मिनट में कितनी बीटिंग होंगी, कितनी सर्कुलेशन होंगी? यार वैसे बात तुम्हारी सही है यार अभिरूप, सही बात है तुम्हारी, मैंने अभी नोटिस किया। चलो कितनी कंप्लीशंस होंगी, जितनी बार दिल धड़केगा उतनी सर्कुलेशंस होंगी, 72 टाइम्स, एज सिंपल एज दैट। प्रश्न 81, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल मैन 0.8 सेकंड, राइट, 0.1 सेकंड फॉर एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड फॉर वेंट्रिकल सिस्टोल, एंड बचा हुआ टाइम आपका इनके डायस्टोल का। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछूं, कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछू, तैयार हो? 5 मिनट दे सकते हो बढ़िया क्वेश्चंस के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछू तुमसे? ओके चलो पूछ लेता हूं। टाइम फॉर एट्रियल डायस्टॉल इन कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में एट्रियल डायस्टॉल कितनी देर तक रहा, ये बताओ सबसे पहले। फिर बताओ टाइम फॉर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल इन अ कार्डियक साइकिल, ये बताओ। सिस्टॉल का तो पता लग जाता है, डायस्टॉल का बताओ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो, टाइप करो फर्स्ट और बगल में लिख दो भाई कितना भी टाइम, टाइम फॉर एट्रियल डायस्टॉल, एट्रिया कितनी देर तक रेस्ट पे है पहले ये बताओ, फिर आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। कितनी देर तक एट्रिया रेस्ट पे रहता है? अब कन्वेंशनल देखो, एनसीईआरटी का पूछता अभी तुम बोल देते आराम से, बट क्वेश्चन घुमाना इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, तो अभी अपन क्वेश्चन घुमाएगा। दर्शना करेक्ट भाई, एट्रिया 0.1 सेकंड तक एट्रियल सिस्टोल आता है, तो 0.8 सेकंड में से बचे हुए 0.7 सेकंड ये कुछ नहीं कर रहे ना, ये तो आपके डायस्टॉल पे है उस टाइम पे, समझ पा रहे हो भाई? एट्रियल डायस्टॉल 0.1 सेकंड तो धड़क रहा है एट्रिया, बाकी तो आगे चला गया ना ब्लड, अब 0.7 सेकंड वो रेस्ट करेगा जब तक नई कार्डियक साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाती। वेंट्रिकुलर डायस्टॉल बताओ कितनी देर का है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कितनी देर का है? ओके वेंट्रिकल डायस्टॉल कितनी देर का है, समझो अगर आपका वेंट्रिकल कितनी सेकंड धड़क रहा है, 0.3 सेकंड धड़क रहा है ना, तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कितना हो गया, 0.5 सेकंड का हो गया। और कहां कहां किस किस सेकंड में क्या एक्टिविटी हुई इसको हम नोट कर सकते हैं बाय मेकिंग अ चार्ट, इस चार्ट को बहुत गौर से देखना, तुम्हें मजा ही आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं, और तुम्हें कार्डियक साइकिल आज एक नए तरीके से याद हो जाएगी, और ऐसा तरीका जिससे तुम हजारों न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो, जो कॉम्प्लेक्स टेस्ट सीरीज बन के आती हैं उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। 0.1 सेकंड है, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.7 सेकंड, 0.8 सेकंड, ऊपर वाला है आपके एट्रियम के लिए और नीचे वाला है आपका वेंट्रिकल के लिए, ठीक है। अब मुझे यह बता दो भैया, एट्रियम कब कब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस 0.1 सेकंड में, इस 0.1 सेकंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आपका रेस्ट में है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। वेंट्रिकल कब कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.2 सेकंड में, 0.3 सेकंड में और 0.4 सेकंड में, और बाकी ये क्या है, बाकी ये रेस्ट में है, बाकी ये रेस्ट में है, तो रेस्ट को किससे बना देते हैं, तो ब्लू जो मैंने लिखा है इसको मैं कह देता हूं सिस्टॉल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ग्रीन में बना देता हूं जब इट इज इन डायस्टॉल। तो ये आपका डायस्टॉल है, ये आपका वेंट्रिकुलर डायस्टॉल है, ये आपका डायस्टॉल है, ये आपका डायस्टॉल है, ये आपका डायस्टॉल है, नीचे डायस्टॉल है, और ये सारे भी आपके डायस्टॉलर रीजन प्रेजेंट।
अब इससे क्या तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल। अब जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, डायग्राम तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का है, ब्लू वाले कॉलम गिन लो। अगर मैं बोलूं एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का है, ब्लू वाले कॉलम गिन लो। एट्रिया में कितनी ब्लू कॉलम्स आए, कितने सेकंड के लिए, बताओ, खुद बताओ। अब मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी। एट्रिया में कितने ब्लू कॉलम्स आए, एक, यानी कितने, 0.1 सेकंड का सिस्टोल है। और ग्रीन कॉलम्स कितने हैं, 7, यानी 0.7 कॉलम्स का डायस्टोल है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का। नीचे वेंट्रिकल में जाओ, वेंट्रिकल डायस्टोल कितने का है, 5 हरे कॉलम है, 0.5 सेकंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल आपका 0.3 सेकंड का। अब एक क्वेश्चन आता है कि जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का हुआ, जिसमें दोनों आपके कंप्लीट किसमें थे, रेस्ट में थे। यहां पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल नहीं, तो कंप्लीट जॉइंट डायस्टोल नहीं है। यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जॉइंट डायस्टोल नहीं है, जॉइंट डायस्टोल ये वाला है। 0.4 सेकंड कैसे निकला आंसर, समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर 0.5 नहीं आएगा। यहां पर 0.7 है, 0.5, तो आप सोचोगे यार 0.5 सेकंड तो दोनों ही चीजें रेस्ट पे है ना, लेकिन आंसर आएगा 0.4। क्यों आया, बात समझ में आई? कैसी लगी ट्रिक बताओ यार, पहले तो ये बता दो। बड़ा ही दिमाग लगा करके इस चीज को मैंने डिजाइन किया था अपने टाइम पर के, हालांकि था किसी बुक से ही, बट बहुत मस्त तरीके से इसको डिजाइन किया था, जिससे, क्योंकि कंसेप्ट जब हम खुद समझते हैं ना, सीखते हैं, ऐसी हजार चीजें हैं। हालांकि अपने पास टाइम कम था, अभी एकदम आ चुके हैं फुल फ्लेज्ड, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे कि यूं निकल सकती हैं चीजें ना, न्यूमेरिकल्स बढ़िया मजे से सॉल्व हो सकते हैं। सो दिस वॉज द बेस्ट ट्रिक दैट यू कैन गेट फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ कार्डियक साइकिल, द बेस्ट बेस्ट ट्रिक। बहुत यूनिक है, बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा, राइट? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, भीख मांग लेता हूँ थोड़ी, भीख मांग लेते हैं यार आज, यार करा दो 216 प्लीज। उत्तर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकंड। अच्छा, ये अपना क्वेश्चन ही भूल भुला गए इतनी देर में। चलो अभी बढ़ते हैं 82 की तरफ। ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट क्या होता है, सिस्टोल में सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली या साइमल्टेनियसली, बताओ 82 का आंसर क्या हो जाएगा। भाई सेपरेटली, यहां पर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है सिर्फ एट्रिया का, अगले तीन डब्बों में वेंट्रिकल का, सेपरेटली विल बी इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली नहीं होता। तो देखो ट्रिक से आंसर आ गया झकास तरीके से, 82 का सी। 83, ड्यूरिंग डायस्टॉल यानी रेस्ट के टाइम पे, ब्लड एंटर्स द हार्ट, लीव द हार्ट, लीव्स द वेंट्रिकल, एंटर्स इनटू लंग्स। जब डायस्टॉल होता है, हार्ट रेस्ट पे है, उस टाइम पर क्या होता है, एक नई कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है, ब्लड नया नया हार्ट के अंदर एंटर करता है, एंटर्स द हार्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। डायस्टॉल है, रेस्ट पे हार्ट जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो ब्लड आएगा, एट्रिया में घुसेगा, वेंट्रिकल में घुसेगा, उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो और वेंट्रिकल में घुसेगा तेजी से, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी सेमी लूनर वॉल्स को खोल करके जाएगा अपनी अपनी रास्ते पर, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर घुस जाएगा फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट साइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है? तो ब्लड एंटर द हार्ट। 84, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, ऑर्गन में, ऑर्गन में कौन लेकर के जाती है, आर्टरी, सुपीरियर आर्टरी, एरोटा, तो कहां पंप होगा, एरोटा में होगा। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, प्योर होने लंग्स के पास, तो ये कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में नहीं जाएगा, आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एस्पेशली पल्मोनरी आर्टरी, दुनिया की सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी आपकी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। उत्तर हो जाएगा 84 का ए। प्रश्न 85, टू रीच द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट द ब्लड मस्ट पास थ्रू। अगर लेफ्ट साइड पे पहुंचना है हार्ट के, लेफ्ट साइड में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहां से होकर के आएगा, यह सवाल है मेरे भाई, कहां से ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से आ रहा होगा प्योरीफाई होकर के, लंग्स से, जहां पर ऑक्सीजन आती है। 85 का उत्तर ए, राइट? 86, मैमल्स आर सेड टू हैव डबल सर्कुलेशन, इट मींस, यानी डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, ब्लड वेसल्स आर पेयर्ड
ऐसा नहीं है, आर्टरी वेन्स सेपरेट होती हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स अटैच टू एवरी ऑर्गन, ये बात करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही ब्लड वेसल है, कैपिलरीज भी होती है, आर्टरी भी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के लिए एक्सचेंज के लिए कैपिलरी है, वापस लाने के लिए आपकी वेन है, और लिम्फेटिक वेसल्स वो भी आपकी अलग है। देयर आर टू सिस्टम्स, वन फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, या ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस थ्रू द हार्ट। सीधी बात है यार, सुनकर ही समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। डबल सर्कुलेशन मतलब दो बार सर्कुलेशन, किससे रिलेटेड है? डबल सर्कुलेशन मतलब दो बार सर्कुलेशन हो रही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ओके, देयर आर टू सिस्टम्स, वन फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग के पास, एंड बैक टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। तो एक ही आई ना, एक ही सर्कुलेशन हुई यार, पढ़ा तो करा करो ऑप्शन, क्या बोल रखा है यहां पे? देयर आर टू सिस्टम, वन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, एक हार्ट से लंग पे ले गया और दूसरा बैक टू रेस्ट ऑफ द बॉडी ले गया लंग से, तो हार्ट में तो एक ही बार गया ना, तो डबल सर्कुलेशन कैसे होगा? ये तो सिंगल की डेफिनेशन बता रहा है, उत्तर डी होगा, दो बार हार्ट में सर्कुलेशन होगी। बात समझ में आई? सी को पढ़ो एक बार और गलती निकालो, खुद पढ़ो, ये मत बोलना सर गलत हो गया, गलत बोल दिया आपने। सी पढ़ो एक बार और एनालाइज करने की कोशिश करो तुमने क्या कबाड़ा किया है। सी को पढ़ो एक बार गौर से, अगर यहां पर लिखा होता एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, एक आपकी पल्मोनरी, मैं बिल्कुल करेक्ट कर देता इसे, लेकिन क्या सी में ऐसा कुछ लिखा है? इसमें लिखा है भाई हार्ट से लंग में गया और लंग से ऑर्गन में चला गया, तो भैया हार्ट में तो एक ही बार आया ना, अब ऑर्गन से हार्ट में आ जाएगा, डबल सर्कुलेशन कहां हुई? समझ पा रहे हो बात को? बात समझ पा रहे हो ना? उत्तर डी क्यों आया? क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट हमें नहीं देखनी है, सही स्टेटमेंट देखनी है, और सही स्टेटमेंट है डी। प्रश्न 87, इन मैमल्स वेन्स डिफर्स इन आर्टरीज इन हैविंग, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करो। वेन्स में ऐसा क्या होता है जो आर्टरीज में नहीं होता? थिकर वॉल्स, डीपली प्रेजेंट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, या इंटरनल वॉल्स? बहुत फेमस क्वेश्चन है। थिकर वॉल्स होती हैं वेन्स के अंदर, आर्टरी में थिक होती हैं, वेन्स के अंदर नहीं। डीपली प्रेजेंट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि ऑर्गन तक ये लेके जाती है, या इंटरनल वॉल्स? द आंसर इज इंटरनल वॉल्स। एनसीईआरटी के अंदर बहुत ठीक से नहीं दिया हुआ है, एक बार इसे एनसीईआरटी में सप्लीमेंट कर लो। क्या लिखोगे? वेन्स हैज इंटरनल वॉल्स बट आर्टरीज डू नॉट। बाकी सारी चीजें आपकी आर्टरी के लिए हैं, थिकर वॉल्स, डीपली प्रेजेंट, कैरी ब्लड, सारी आर्टरीज के लिए। इंटरनल वॉल्स आप लिख लीजिए, वेन्स में प्रेजेंट है, आर्टरी में नहीं, और उसके बाद एक बार झटपट थम्स अप दे दो, राइट? चलो बहुत बढ़िया। 88, एन आर्टरी इज, आर्टरी क्या है? थिक वॉल्ड इन विच ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर। अगर थिक वॉल्ड है, अगर वॉल बहुत ज्यादा थिक है, ल्यूमन बहुत ज्यादा छोटा है, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना मेरे दोस्त, प्रेशर हाई रहता है आर्टरी में, तो थिक वॉल्ड तो है लेकिन प्रेशर हाई है। हाउ इज द प्रेशर? हाई सर, ये हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, वेन के अंदर पतली वॉल है, पतली वॉल यानी ल्यूमन बहुत बड़ा, अब घूमने फिरने के लिए जगह है तो प्रेशर कम है, ये आपके वेन भैया, ये आपके आर्टरी। आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर हाई किसमें रहेगा? ऑब्वियसली सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, डन। 89, सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरी की वॉल किसकी बनी रहती है? पैराइटल, एंडोथेलियल, ऑक्सेंटिक, हेमोसाइट। इसे कहा जाता है एंडोथेलियल सेल लेयर, जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी रहती है, पतले पतले टाइल लाइक पेवमेंट एपिथेलियम के सेल्स यहां पर रहते हैं, इसे एंडोथेलियम कहा जाता है, ब्लड वेसल के अंदर पतली सी लेयर जो कि एक्सचेंज में हेल्प करती है। 89 का उत्तर हो जाता है बी। 90, अ मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन, एक मस्कुलर वॉल किस जगह एब्सेंट होती है? वेन्यूल, कैपिलरी, वेन, आर्टेरियोल। चाहे आर्टरी हो, चाहे आर्टेरियोल हो, चाहे वेन हो, चाहे वेन्यूल हो, मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होगी मीडिया में, राइट? जो आपकी बीच वाली लेयर है, इंटीमा एक्सटर्ना के बीच में मीडिया, वो प्रेजेंट होती है। कैपिलरी में सिर्फ एंडोथीलियम है, कैपिलरी पतली होती है, इसमें एंडोथीलियम है, इसमें स्मूथ मसल की लेयर नहीं होती बीच में, एक ही सिंगल लेयर है स्क्वैमस एपिथीलियम की। तो 90 का उत्तर हो जाता है सी। 91,
कॉन्ट्रेक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल है तो किसमें ले जाएगा, राइट साइड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड प्योरीफाई होने कहां जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स तक लेकर जाने वाली ब्लड को क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ढूंढ लो, पल्मोनरी आर्टरी उत्तर हो जाएगा डी, 91 का डी लॉजिक से कर दिया है और यही चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है तो उत्तर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा बिना ऑप्शन देखे, जैसे हमने पहले किया फिर ऑप्शन देखे। 92, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, दुनिया की हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स तक ब्लड को प्योरीफाई करने ले जा रही थी, यानी ब्लड पहले इम्प्योर था, डीऑक्सीजनेटेड था, तो पल्मोनरी आर्टरी करेक्ट हो जाएगा, राइट। और वेन के लिए भी कॉमन है, दुनिया की हर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि हार्ट से लंग से हार्ट तक लेकर आएगी ब्लड को, प्योरीफाइड ब्लड को। When ventricular systole occurs, यानी जब ventricle contract करेंगे, atrial diastole coincide, उस time पर atria का diastole चल रहा होगा, tricuspid and bicuspid wall close हो जाएंगे, semilunar valve guarding the pulmonary artery and aorta are forced open, या all of the above। 93 का answer क्या हो जाना चाहिए, technically D हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब देखो ये मैंने आपको क्या बताया था, वो जो ट्रिक थी उस पे चलो, जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल था तब एट्रिया का डायस्टॉल चल रहा था, देखो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तीन ब्लू डब्बे थे, इसके ऊपर तीन हरे डब्बे, इसके ऊपर एट्रिया का क्या चल रहा है आपका, राइट। अच्छा लैग हो गया, एक बार मुझे बता दो, लैग करेक्ट हो जाए तो मुझे एक बार जस्ट बता देना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है यार, हरी भरी बत्ती जल रही है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर यू नो एक बार देख लो सब कुछ ठीक है, थम्स अप दे दो एक बार फटाफट, हो सकता है यार थोड़ा बिगड़ गया हो, आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, हो सकता है यार चला जाता है कभी कभी बीच में, सब कुछ ठीक चल रहा है, सही है, चलो उत्तर हो जाएगा 70 और 30। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डू नॉट अकर इन जॉइंट डायस्टॉल, जॉइंट डायस्टॉल में कौन सी चीज नहीं होती, जॉइंट डायस्टॉल मतलब एंड के 0.4 सेकेंड, इनमें कौन सी चीज नहीं होती, ऑल फोर चैंबर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, इसी को तो जॉइंट डायस्टॉल बोला, ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वॉल ओपन, क्या ट्राइकस्पिड बायकस्पिड जॉइंट डायस्टॉल में ओपन रहेंगे, अभी जस्ट आपने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करी है और आगे आपने वॉल के थ्रू पहुंचाया है सेमिलुनर वॉल के थ्रू ब्लड को आगे, एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड फ्रॉम SAN टू AVN, अगर जॉइंट डायस्टॉल चल रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्शन का यहां पर सिग्नल नहीं जाता, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लो इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स रेस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, द सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज्ड, सेमिलुनर वॉल अब क्लोज हो जाएंगे, झटपट बताओ क्या है इसका आंसर, राइट। देखो यार अब जॉइंट डायस्टॉल है तो इसके बाद क्या होगा, नया सिस्टॉल आएगा तो आपके SAN और जो आपके बायकस्पिड ट्राइकस्पिड है ओपन हो गए क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड पास हो चुका है तो अब बैक फ्लो का कोई ऑप्शन नहीं है, आपके सेमिलुनर वॉल्स भी क्लोज हो चुके हैं लेकिन आपका सिग्नल अभी नहीं जाता, राइट, ये आपका बाद में जाएगा, तो ओनली सी आपका डू नॉट अकर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टॉल, इसके बाद नई साइकिल में स्टार्ट होगा, तो सिर्फ सी आपका गलत है, बाकी सारी चीजें इसके लिए जॉइंट डायस्टॉल के लिए ठीक है। प्रश्न 96, द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड एस, बहुत अच्छे से करना, गलत होने के पूरे पूरे चांसेस है कि यह क्वेश्चन गलत हो जाए, अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा तो, जो मैं अंडरलाइन करता हूं उसको देखो, राइट, एग्जैक्टली इनकरेक्ट पूछा था, डो नॉट अगर पूछा था ना, तो चार चीजें हो रही थी, एक नहीं हो रही थी वो बताना था, ओके ऑलराइट, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन में हो जाता है कभी कभी। यहां पर देखो एक वेंट्रिकल एक बीटिंग पे जितना ब्लड आगे पंप करता है इसे क्या बोले हम लोग, स्ट्रोक वॉल्यूम, लेकिन पर मिनट पूछा है, मैंने क्या बोला था गलती करोगे और गलती कर दी भाई, पर मिनट पूछ लिया ना, पर मिनट पूछ लिया मतलब 72 बीट्स का पूछ लिया, इट इज कार्डियक आउटपुट,
अगर स्ट्रोक वॉल्यूम है सिर्फ 70 ml होती, लेकिन यहां पर मिनट पूछ लिया है कितनी हो गई, 5000 ml हो चुकी है। और अब इतना पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस हो गया है कि ये पहले ही मैं बता देता हूं आप कहां गलती करोगे, तो उस क्वेश्चन को गौर से पढ़ लिया करो। राइट, उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पर मिनट पूछा है ना, इसीलिए इसको पहले अंडरलाइन भी किया था। तो कार्डियक आउटपुट पूछ लिया है, माना कि एनसीईआरटी के सीक्वेंस में क्वेश्चन चल रहे हैं, एग्जैक्टली सीक्वेंस भी नहीं है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप 70 ml ऑफ ब्लड, अब ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा एक बीट के अंदर, एक बीट के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम और 72 बीट के अंदर कार्डियक आउटपुट, सिंपल सी बात है। 98 कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ बीट्स, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट यानी 5 लीटर। ओके, 500 ml नहीं होगा, बाकी सारे बहुत कम है, 5 लीटर यानी 5000 ml विल बी द आंसर। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ बीट्स, पीछे हमने कैलकुलेट भी करके देखा था। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से गंदी बात कौन सी है, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज मच हायर देन एन ऑर्डिनरी मैन, ये बात एकदम करेक्ट है। इन ईच मिनट सिंगल कार्डियक साइकिल परफॉर्म, एक मिनट में उतनी कार्डियक साइकिल होती हैं जितनी बीट होती हैं, तो सिंगल कार्डियक साइकिल नहीं होगी, ये गलत है। ईच बीट में सिंगल कार्डियक साइकिल होगी, तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड निकलते हैं जिनका नाम है लब और डब, लब डब बोलते हैं इन्हें। कार्डियक साइकिल इंक्लूड्स एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड का, सारी बातें करेक्ट है, बी आपकी गलत है। बी गलत था, पहले पढ़ लिया था कि सिंगल मिनट में आपके बहुत बार कार्डियक साइकिल होगी, 72 टाइम्स आपकी कार्डियक साइकिल होगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन कार्डियक साइकिल, मेरे वाला डांस जो है वो यहां पे कर दो, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो एट्रियल डायस्टोल और जॉइंट डायस्टोल, तो यहां पे क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, फिर जॉइंट डायस्टोल आएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 100 का सी हो जाता है। सेंचुरी लग चुकी है, एक बार बैट बॉल उठा दीजिए जिससे कि बढ़िया तरीके से काम अपना चलता रहे। राइट, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, 101 का क्वेश्चन, फर्स्ट कार्डियक साउंड लब इज एसोसिएटेड विद, लब साउंड कब आता है, लब साउंड आता है क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व पे, और डब आता है सेमी लूनर वॉल्व के क्लोजर पे, तो क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, डब आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 101 का ए, 101 का उत्तर ए हो जाएगा। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर सेकेंड कार्डियक साउंड, जो सेकेंड कार्डियक साउंड है यानी डब है, इसके लिए गलत बात क्या है, द हार्ट साउंड इज डब, पहले तो यही गलत है, इट इज डब, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, यह भी गलत है। अच्छा, सेकेंड साउंड सेमी लूनर यह करेक्ट है, पहले में आपका वो होता है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये ठीक है। इट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, बिल्कुल हार्ट बीट आप जब देखते हो तो सिग्निफिकेंस होती है उसकी, नॉन सिग्निफिकेंट इन दोनों में से तो एक गलत होना ही है, तो ये वाला आपका गलत है, ये वाला करेक्ट, तो गलत कौन सी बात है, ए और आपका डी, तो ए और डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डब अगर लिखा हुआ होता या फिर इसको मान सकते हैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो एक बार की देख लेते हैं, की के अंदर क्या है, की के अंदर डी है, हाँ तो डी आपका गलत हो जाएगा, वैसे ए भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार डब हो जाएगा, बट स्टिल डी इज मोर इनकरेक्ट। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या सही है, वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया इज मोर देन बोथ वेंट्रिकल, भाई वेंट्रिकल बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एट्रिया, अगर ये आपका हार्ट है तो एट्रिया छोटे छोटे हैं, वेंट्रिकल बड़े बड़े हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ एट्रिया, ये करेक्ट है, इक्वल नहीं होते, वेंट्रिकल्स अपर चैम्बर नहीं होते, एक ही बात करेक्ट है, दैट इज 103 का बी। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स पोजेस सेमी लूनर वॉल्व, किन ब्लड वेसल्स में सेमी लूनर वॉल्व होती हैं, अगर ये आपका हार्ट है तो आपके लेफ्ट साइड से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा ब्लड, लेफ्ट साइड से कहां जाएगा ब्लड, प्योरिफाइड ब्लड एरोटा के अंदर जाएगा, और राइट साइड से कहां जाएगा प्योरीफाई होने, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा ढूंढ लो, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा ढूंढ लो, बी में मिल गया, 104 का हो जाएगा बी।
प्रश्न 105, द हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ एन इंटरव्यू ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ, यानी अगर इंटरव्यू चल रहा है, पसीने पसीने हो जाते हो, एकदम लाल फटने को हो जाते हो तुम लोग, किस चीज की वजह से? रेनिन, एड्रेनलिन, एडीएच या एसीटीएच, यानी रेनिन है, एड्रेनलिन है, एडीएच यानी एंटी डायोरेटिक हार्मोन सुसु रोकने वाला, एसीटीएच यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला, राइट? तो क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन, राइट? बहुत ही ज्यादा डर की वजह से एंशियस हो जाते हो, भाई गलत बोला तो पैकेज छूट जाएगा हाथ से, उस चक्कर में एड्रेनलिन रश हो जाता है, डर लगने लगता है, जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाता है उस टाइम पर जो डर लगता है, जो अचानक से हार्ट बीट भर जाते हैं, उसी प्रकार का डर जो यहां पर होता है, दैट इज ड्यू टू एड्रेनलिन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, एब्सोल्युटली करेक्ट। 106, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट, कौन सी बात करेक्ट है? क्या सीबम यानी जो वैक्स वगैरह है, ऑयल वगैरह है, क्या ये एनाल्जेसिक है? क्या ये आपको राहत प्रदान करता है? विटामिन, क्या निकोटीन एक विटामिन है? कॉर्पस कैलोसम ग्राफियम फॉलिकल की डीजनरेशन से बनता है या बंडल ऑफ इस परकंजी फाइबर बनाता है? देखो भाई, सीबम एनाल्जेसिक नहीं है, विटामिन निकोटीन नहीं है, नियासिन है, कंफ्यूज होकर के भावनाओं में ना बह जाना। कॉर्पस कैलोसम ग्राफियम फॉलिकल की डीजनरेशन से क्या बनता है? जब रप्चर होता है, कहने का मतलब है, तो क्या बनता है आपका? कॉर्पस लूटियम। तो करेक्ट सेट क्या है? बंडल ऑफ हिस आगे चल के परकंजी फाइबर बनाएगा और घेरेगा वेंट्रिकल को। 106 का हो जाएगा डी। 107, कार्डियक सेंटर लाइज इन, यानी कार्डियक सेंटर कहां लाया करता है? आपकी हार्ट को रेगुलेट कहां से किया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम, पोन्स या एपिथैलेमस? कार्डियक सेंटर कहां है? मेडुला अभी तक तीनों चैप्टर्स के अंदर आया था, डाइजेशन में इट वाज द वॉमिट सेंटर, ब्रीदिंग में इट वाज द बेसिक रिदम सेंटर, राइट? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसे हम बोल रहे थे, और कार्डियक सेंटर भी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। उत्तर क्या हो जाएगा 107 का? आपका हो जाएगा ए। अभी तक की में कोई भी गलती नहीं है, 100 क्वेश्चन हम लोग पार कर चुके हैं, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग। तो मेडुला देख रहे हो यार कितने काम का है, मेडुला ऐसे ही नहीं है, अभी तक तीन चैप्टर पढ़े हैं, तीनों में मेन रेगुलेशन मेडुला कर रहा है, इतने काम की चीज है ये। 108, कार्डियक सेंटर कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू, यानी मेड्यूला कैसे कार्डियक फंक्शन को बढ़ा या कम कर सकता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली। तुम्हें बेसिक भी पता है तो तुम धज्जियां उड़ा दोगे। पैरासिंपथेटिक क्या होता है? इसे बोला जाता है PSANS, यानी पैरासिंपथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ANS का पार्ट है। सिंपथेटिक को बोला जाता है SANS, यानी सिंपथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यह भी ANS का पार्ट है। तो है तो ANS, ओनली ओनली ने कबाड़ा कर दिया, तो ओनली ओनली से हमें आंसर मिल गया कि है तो ANS, राइट? ओनली इज डेंजरस, हर क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, 100 एग्जांपल ले चुके हैं हम, कि ओनली कैसे हमें आंसर तक पहुंचने में मदद करता है। सोमैटिक तो चलो था ही नहीं, पर ANS के अंदर भी हमें ओनली ने बचा लिया। 109, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ ANS इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट बिकॉज ऑफ, कार्डियक आउटपुट कब बढ़ सकता है? कार्डियक आउटपुट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट, तब जाके आपका कार्डियक आउटपुट आता है 5 लीटर के आसपास। तो कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ाओगे? या तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, या बीट बढ़ा दो, जोर जोर से हार्ट बीट करने लग जाए, 72 की जगह 80 बार धड़के, वैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ANS क्या करता है? हार्ट बीट रेट बढ़ाता है, बढ़ा सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन यानी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा सकता है, बोथ एंड भी एकदम सही। इंक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व आपकी सिंपथेटिक नहीं है, पैरासिंपथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये हार्ट बीट को कम करती है, ये हार्ट बीट को कम करती है वेगस नर्व, क्योंकि पैरासिंपथेटिक का काम क्या है? आपको स्लो करना, हार्ट बीट एकदम स्लो चल रही है, मजे में एकदम बढ़िया जिंदगी है, अमेजिंग लाइफ। लेकिन SANS ये बढ़ाती है आपके हार्ट बीट को, दोनों तरीके से बढ़ाती है, फॉर्मूला लगा दो, दोनों चीजें आपकी हो सकती हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस बीट दोनों बढ़ सकती हैं। उत्तर आ जाएगा सी, NCERT में भी मेंशन है। 110, पैरासिंपथेटिक क्या करता है? आपको स्लो बनाता है, तो ये भी डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ हार्ट बीट, डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बोथ ए एंड बी,
या इंक्रीजिंग एड्रिनल मेडुला हार्मोन यानी एड्रेनलिन, एड्रेनलिन बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। उत्तर क्या है 110 का? यह भी दोनों चीजें कर सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम या आपके बीट के नंबर को कम कर सकता है। ठीक है, तो रेट कम करेगा तो अल्टीमेटली, बल्कि ये रेट ही कम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रेट कम करेगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट बीट अगर स्लो है तो कार्डियक आउटपुट खुद ही कम हो जाएगा। 111, हार्ट बीट इंक्रीजेस, इंक्रीज कौन करता है? आपका एड्रेनलिन और SANS यानी सिंपथेटिक, और कम कौन करता है? पैरासिंपथेटिक। तो हार्ट बीट इंक्रीज कौन करेगा? सिंपथेटिक बिल्कुल करेगा, पैरासिंपथेटिक वेगस नर्व नहीं करेगा, एड्रेनलिन सिक्रीशन करेगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों करेक्ट है, डी हो जाएगा। 111 का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, क्योंकि ये आपका कम करता है, ये हार्ट रेट घटाएगा, ये दोनों बढ़ाएंगे। ठीक है, 112, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट मैचिंग का पता लगाओ। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जो मशीन का नाम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब जो पेपर है जो निकलता है। AVN मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, करेक्ट है। SAN साइनो एट्रियल नोड, करेक्ट है। WBC व्हाइट ब्लू सेल, व्हाइट ब्लड सेल होएगा, गलत है। RBC रेड ब्लड सेल, सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से गलत है? इनकरेक्ट मैचिंग दो के अंदर है, और 112 की जो की है उसमें दे रखा है डी, यानी चार गलत है। चार गलत नहीं हो सकते भाई, AVN एकदम करेक्ट है, SAN RBC करेक्ट है, चार गलत नहीं हो सकते, दो गलत है। 112 का उत्तर आ जाएगा बी, इसको की के अंदर करेक्ट कर लेना एक बार, मैं करा भी दूंगा। 112 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 113, हार्ट बीट इज एक्सेलरेटेड बाय, हार्ट बीट कौन बढ़ाता है? वही आपका SANS और एड्रेनलिन। तो सिंपथेटिक और एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन नहीं, सिंपथेटिक और एपिनेफ्रीन, एड्रेनलिन का ही नाम है एपिनेफ्रीन। एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन को एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन कहा जाता है, एड्रेनलिन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये बढ़ा रहे थे, सिंपल सी बात है। कम कौन कर रहे थे? पैरासिंपथेटिक। बॉडी हैज कैपेसिटी टू अल्टर, अगर आपको हार्ट का कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है तो क्या क्या कर सकते हो आप? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दोगे, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ा दोगे, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, तो सारी ऑल्टर कर सकते हो। यानी आप वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन अगर मोर रॉबस्ट कर दोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ी, अगर आप हार्ट बीट का नंबर बढ़ा दोगे भागने लग जाओगे एथलीट्स की तरह तो हार्ट रेट बढ़ा, दोनों से ही कार्डियक आउटपुट बढ़ा, यानी तीनों चीजें बढ़ सकती है। 114 का आंसर हो जाता है डी। 115, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG पेशेंट की बॉडी को कनेक्ट किया जाता है टू अ मशीन, और तीन लीड लगाई जाती है, लेफ्ट एंकल आपके रिस्ट पे लगाई जाती है और लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है, एक्सेप्ट किस पे नहीं लगाई जाती, तो रिस्ट पे लगाई जाती है, लेफ्ट रिस्ट हो गया, राइट रिस्ट हो गया, लेफ्ट एंकल हो गया, राइट एंकल पे नहीं लगाई जाती, ये आपका आंसर हो जाए। लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है, राइट एंकल पे नहीं लगाई जाती, तो गलत हो जाएगा। अगर आपको बहुत डिटेल्ड ECG चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? चेस्ट पे भी लीड्स लगा सकते हो। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत बात का पता लगाना है। ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, एकदम करेक्ट बात है। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू चेस्ट रीजन, जिसे चेस्ट लीड कहा जाता है, अभी बताया था, करेक्ट बात है। PRT वेव्स आपकी पॉजिटिव वेव होती है, QRS नेगेटिव वेव होती है। देखो बना लेते हैं ECG, P है आपका, PQRS एंड T, ये क्या हो गया PQRST। तो पॉजिटिव कौन बोली है ऊपर की साइड, PRT पॉजिटिव आ जाएंगी, PRT पॉजिटिव है, ठीक है। और QRS नीचे की साइड है, ये आपकी नेगेटिव आ जाएंगी, QRS नेगेटिव है, ये भी ठीक है स्टैंडर्ड ECG में। यानी चौथी बात गलत है, गारंटी गलत है, तीनों सही है तो चौथी बात गलत है, देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव मतलब यहां पे क्या हो गया है, यहां पर आपका स्टार्टिंग ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, यहां पे आपका एट्रियल सिस्टोल है, यहां पे आपका वेंट्रिकल सिस्टोल है, यहां पे आपका डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एंड ऑफ टी वेव आना चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ टी वेव नहीं, एंड। ठीक है, 116 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, एकदम करेक्ट। चलिए 117, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अब सही बात का पता लगाना है।
ईसीजी इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल इनसिग्निफिकेंस, मतलब क्लिनिकल इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, गलत बात है भाई, आपको काफी सारी डिटेल्स बताता है ये आपकी बॉडी के और हार्ट की एक्टिविटी के बारे में। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस इन गिवन टाइम पीरियड वी कैन फाइंड पल्स रेट। क्या आप फाइंड कर सकते हो पल्स रेट को क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को काउंट करके? फटाफट बताओ, बिल्कुल कर सकते हो। हार्ट रेट का आप ऐसे पता लगा सकते हो कि आपकी जितनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हुई, क्योंकि लंबा पीक होता है तो इसको आप देख सकते हो। देखो ये छोटे छोटे हैं, इनको नोट करना मुश्किल है, ये अलग से पीक दिख जाएगी। पीक कैलकुलेट कर लो, एक बार हार्ट बीट करेगा तो एक पीक आएगी, 72 टाइम्स अगर बीट किया मिनट में, मतलब 72 पीक्स आई। ये बात आपकी करेक्ट है, करेक्ट ही बतानी थी। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया स्टार्ट विद द क्यू वेव। पी वेव पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, एट्रियल सिस्टॉल हो जाता है। टी वेव रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। टी में क्या होता है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। एट्रिया पहले ही रेस्ट पे रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करके ना क्यूआरएस में ही रेस्ट पे आ जाता है। तो ये सारी बातें गलत है, उत्तर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? बी आ जाएगा। 118 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज मेजर ऑफ, यानी ईसीजी क्या है? हार्ट रेट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करता है। इससे आप काफी चीजें और भी नाप सकते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन मेन काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखना। 119 पी वेव रिप्रेजेंट, यानी पीक्यूआरएसटी में जो पहली पी वेव है, सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एट्रिया। तो ये क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को बताता है, यानी इनकी कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। 119 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। 120 QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब QRS 0.3 सेकंड कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, उत्तर क्या आ जाएगा? 120 का ए आ जाएगा। टी वेव ऑन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, टी वेव में आप जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे QRS में, वो रेस्ट स्टेट पे आ जाएंगे, यानी रिपोलराइज हो जाएंगे वेंट्रिकल, रिपोलराइज हो जाएंगे वेंट्रिकल, उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 121 का बी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ईसीजी के अंदर बेसिक बातें हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए पी, उसके बाद आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए क्यू आर और एस, और उसके बाद आपका टी, यानी कि आपके वेंट्रिकल्स रेस्ट पे आ गए, रिपोलराइज हो गए। 122 इन एन अडल्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक? 120/80 mmHg, जहां पर 120 है आपका सिस्टोलिक, यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड ज्यादा पंप होएगा, बढ़ेगा प्रेशर, और ये आपका डायस्टोलिक रेस्ट में 80 120/80। हाइपरटेंशन के टाइम पे बढ़ जाता है, हो जाता है 140/90, रेगुलर चेकअप्स कराओगे इतना ही आएगा हर बार। सो नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, मेजरमेंट में 120 क्या है और 80 क्या है, अभी मैंने आपको बताया था सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रिस्पेक्टिवली, तो 120 सिस्टोलिक है और 80 आपका डायस्टोलिक है, 123 का आंसर हो जाता है बी। 124 द डिफरेंस ऑफ ब्लड प्रेशर बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेज, 120 सिस्टोलिक 80 डायस्टोलिक, डिफरेंस कितना आ गया? 40 mmHg इज द करेक्ट आंसर। बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, राइट? विच वन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन? मैंने बताया था 120/80 नॉर्मल है, अगर 140/90 हो जाए या उससे ज्यादा, इट इज हाइपरटेंशन। तो 80/120 नहीं हो सकता यार, सिस्टोलिक का कम कैसे हो सकता है? सिस्टोलिक कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे तो किस चीज को दबाओगे तो ज्यादा तेज से वो भगेगी ना, तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है, पूरा ही गलत है। 40/60 ये भी एकदम ही गलत है, हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ता है तो बीपी बढ़ाओ ना यार, 120/80 से ज्यादा बढ़ा हुआ किसमें है? एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 140/90, बीपी बढ़ा दो। 125 का सी। 126 पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्लूड्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग्स तक ब्लड जा रहा है और आ रहा है, तो इसमें क्या इंक्लूड होगा? पल्मोनरी आर्टरी, वेन और लंग। यह आपका हार्ट है, यह आपका हार्ट है, यहां पर यह आपकी राइट साइड है, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पर? लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर चला गया, और यहां पे प्योरिफाइड ब्लड आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो लंग्स भी आ रहे हैं, पल्मोनरी वेन भी आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी भी, उत्तर क्या हो जाएगा? 126 का डी। 127 द इंस्ट्रूमेंट बाय विच बीपी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डिटरमाइंड, जिससे बीपी नापते हो
वो कौन सी है? फुसफुस वाला, बताओ व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको बोलना सीख लो बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो टीचर थी सिक्स क्लास में वो बुलवा बुलवा कर हमें यू नो बताती थी कि सही बोलना है इसको। तो काफी बच्चे रोज केल सिर्फ इसीलिए खा जाते थे लकड़ी का, क्योंकि वो स्फिग्मोमैनोमीटर ठीक से नहीं बोल पाते थे। तो उसको बोलना ढंग से भाई, स्फिग्मोमैनोमीटर। डन। 128 इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर हार्ट बीट्स, जो तुम्हारे गले में आएगा भगवान की कृपा से, जिससे तुम हार्ट बीट सुन पाओगे, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्फिग्मोमैनोमीटर, हेमोमीटर या स्टेथ, इसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तुम्हारा गहना बनेगा दोस्ती आगे चल करके, तो इसका तो सबको पता ही होगा, ये तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? कि ये किसी को ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता, अगर तुम इस फील्ड में हो स्टेथोस्कोप पक्का ही पता हो, राइट? चलो हाँ, नेकलेस है ये तुम्हारा, बहुत सही। अरे सैफ अली यार, तुम कहाँ चले गए थे? मैं और अभिरूप अकेले रह गए थे चैट के ऊपर, तुम आया करो भाई, टाइम टाइम पे आते रहा करो, यहाँ पे हम बंदे बहुत कम हो गए हैं, यहाँ पे सेक्स रेशियो गिर चुका है लड़कों का, राइट? हमें जरूरत है भाई, ज्यादा बंदे बुलाओ तो तब जाकर कुछ बैलेंस हो तगड़ा सा। अ सिस्टम विच सप्लाइज ब्लड टू हार्ट, यानी हार्ट का जो मस्कुलेचर है उसको ब्लड कौन सप्लाई करता है? पोर्टल सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, कोरोनरी सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। भाई पोर्टल सिस्टम कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइनल रीजन और हेपेटिक यानी लिवर के बीच में। पल्मोनरी सिस्टम लंग्स के साथ। कोरोनरी है ना, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, ये है ना आपके हार्ट के ऊपर, उसके सरफेस पे, अभी मैंने आपको दिखाया भी था लेक्चर के अंदर। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 129 का सी हो जाएगा और एकदम करेक्ट भी है। 130 हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर को कॉन्टेक्ट में लाता है, एकदम सही है। किडनी टू लिवर, किडनी इसका पार्ट नहीं होती, क्योंकि रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है हमारे पास, किडनी हम पार्ट में नहीं लाते। लिवर टू हार्ट एंड लिवर टू किडनी, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है पोर्टल सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्टली आपका वेन में पोर नहीं करता अपने सामान, वो लिवर को दे देता है कि भैया तुम आगे पास कर देना। यानी लिवर वो गाड़ी है जो कि आपके घर से कचरा कलेक्ट करती है और जाकर बाकी बड़े कचरे के ढेर के साथ लगा देती है। तो आप पर्सनली नहीं गए बहुत बड़े डंपिंग यार्ड पे, लेकिन आपने गाड़ी वाले को अपना कचरा दे दिया, मेन चीज है ट्रांसफर हो गया सामान का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं होता, एलिमेंट्री कैनाल वाला जो पार्ट है ना, इंटेस्टाइन वाला पार्ट, वो कनेक्ट नहीं होता। तो ये लीवर के साथ ज्वाइन होकर के इसको पहुंचा देता है अपना वेस्ट, लीवर आगे पास कर देता है, ठीक है, ये हो जाएगा। 131 अ यूनिक वस्कुलर कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, आपका क्या हो जाएगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल नहीं है हमारे पास, किडनी में नहीं होता। हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ये कहां देखने को मिलता है? आपका पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कॉन्टेक्ट है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है ना, वहां पर क्या होगा? ये होगा। लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में पूछा है, लीवर मतलब हेपेटिक, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। उत्तर क्या हो जाएगा? 131 का सी। 132 पल्मोनरी सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, लंग्स की आवश्यकता क्यों है? न्यूट्रिएंट सप्लाई टू लंग्स, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजनेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट सप्लाई टू हार्ट। हम लंग्स के पास क्यों जाते हैं? हम लंग्स के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वहां से ऑक्सीजन लेनी है। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, उसे ऑक्सीजनेट करता है और पल्मोनरी वीन उसे लेकर के लेफ्ट साइड में आ जाती है। 132 का उत्तर हो जाएगा सी। 132 का हो जाएगा सी। ओके दर्शना, बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया यार ये 32 बनाने में ना। बंदी ने पहले 1 लिखा है, उसके बाद 32 की जगह एक स्माइलिंग इमोटिकॉन है, मतलब 32 दांत रिप्रेजेंट किए हैं, फिर उसका सी बोला है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि मैं एक बहुत ही दिमागदार इंसान हूं, मैंने तुम्हारा पकड़ लिया है अच्छे से कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। देखा, ये होता है कि जोक भी ऐसे आदमी के मारो ना जो समझ सके, अदरवाइज मजा नहीं आता। तो इसमें भी मेरी सीक्रेट तारीफ छुपी हुई थी। चलो ऑक्सीजनेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेक्ट हो जाएगा। 133 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है?
140-90 बीपी, और भी सारी बीमारियां होने लग जाएंगी, हाइपरटेंशन ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी, लिवर से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी, इट लीड्स टू कार्डियक डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम है, वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन किडनी और भी काफी सारे ऑर्गन्स को ये हार्म कर सकता है, राइट, माइनर इंपैक्ट डाल सकता है ब्रेन किडनी पे ज्यादातर। रिपीटेड चेक कराओगे तो 140-90 से ज्यादा ही बीपी मिलेगा। ऑल ऑफ द अबव आर फॉर हाइपरटेंशन, सारी बातें सत्य वचन है। फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग, गंदी बात का पता लगाओ। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज एथेरोस्क्लेरोसिस, इसे कैड कहा जाता है। एंजाइना इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस, सही बात है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज कॉल्ड एज बीट वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन बीट, दैट इज 70 ml, सॉरी मिनट लिख दिया है, 70 ml। एंड हार्ट फेलियर इज नॉट इक्वल टू हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। जब ये पंप करने में फेल हो जाए, एडिक्वेट पंपिंग ना हो पाए, ऑर्गन्स के पास एडिक्वेट ऑक्सीजन ये ना पहुंचा पाए, और हार्ट अटैक क्या है, हार्ट के मसल पर अटैक हो गया है, हार्ट की मसल जो है ये डैमेज हो गई। और कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक अरेस्ट मतलब हैंग हो गया है हार्ट, स्टॉप कर दिया है उसने बीट करना, स्टॉप कर दिया है बीट करना, राइट। चलो ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 135, सिलेक्ट द करेक्ट कॉलम। हार्ट फेलियर मतलब पंपिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, पंपिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड एफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। ए का फोर हो जाएगा, ए का फोर तीन में है तो डी गलत हो गया। कार्डियक अरेस्ट, स्टॉप बीटिंग ढूंढ लो, स्टॉप बीटिंग कहाँ है, हार्ट स्टॉप बीटिंग। बी का फाइव हो जाएगा, बी का फाइव हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला पहले ही गलत था। हार्ट अटैक, हार्ट मसल सडनली डैमेज, ये हो जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन ढूंढ लो, एक्यूट चेस्ट पेन ढूंढ लो, आपका टू में आ जाएगा। ई का टू हो जाएगा, ई का टू इसमें आ गया, तो ये दोनों वैसे गलत हो गए, ठीक है, इससे कुछ पता नहीं लगा। हार्ट अटैक और कैड का ढूंढ लो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, कैड को क्या बोला जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। डी का थ्री हो गया, डी का थ्री हो गया, एक के अंदर ही है, आंसर आ गया ए, आंसर आ गया ए, डायरेक्टली आ गया, ठीक है। फिर सी बचा आपका, जो हमने देखा था हार्ट अटैक, कि अटैक हो गया है आपका मसल्स के ऊपर, सी का वन आ जाएगा। सारी बातें हमने करके देखी, उत्तर आपका ए ही आया, ठीक है, उत्तर आ गया आपका ए। 136, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहा जाता है, कैड को कहा जाता है, बात खत्म। एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहा जाता है, कैड को कहा जाता है, क्वेश्चन ही डायरेक्टली उसी पे आ गया, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। नीचे बाकी सारी अलग है, ब्लू बेबी सिंड्रोम अलग है, SCID इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, मायोकार्डियाइटिस आपका अलग हो गया, कैड आपका कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है आपका ब्लड वेसल के अंदर, तो ल्यूमन छोटा हो जाता है, ल्यूमन हो गया कम, यहां पर डिपोजिशन हो गई ज्यादा, ठीक है। 137, ये आपको ECG का डायग्राम दिखाया हुआ है। पी वेव क्या है, यहां पर पी वेव आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी का हो गया, यानी ए का हो गया टू, ए का हो गया टू, तो ए का वन नहीं होगा, ए का थ्री नहीं होगा, ए का टू आ गया। QRS कॉम्प्लेक्स है आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो गया, बी का वन हो गया, ए का टू था, बी का वन, इसमें बी का थ्री है, तो ये वैसे गलत हो गया, उत्तर आ गया सी, उत्तर आ गया सी डायरेक्टली। टी वेव क्या है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, रिपोलराइजेशन, ठीक है। यहां पर देखो, इन द गिवन फिगर सिस्टेमिक प्लांट ऑफ सिस्टेमिक पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, एक बार तो प्लांट देखकर मेरी पट गई थी, ये क्या आ गया भाई मैं कह ह्यूमन फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी कहां से चालू हुई, मैं कुछ तगड़ा सा पूछेगा भाई अब, ओके। तो यहां पे देखो भाई, यहां पर कौन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से लेकर गई पल्मोनरी आर्टरी, कहां पहुंचा दिया, लंग्स के पास पहुंचा दिया, लंग्स से कौन उठाकर लेके आई, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लेफ्ट साइड में लेकर आई, ऑर्गन्स तक कौन ले जाएगी, एरोटा लेकर के जाएगी, ये क्या है, टिश्यू बोल दो, ऑर्गन बोल दो, सेल बोल दो, जो भी है आपका क्वेश्चन के अंदर वो बोल देंगे। डी क्या है आपका, यहां से आपका वेना केवा लेकर के जाएगी, वेना केवा लेकर के जाएगी, मिला लो भाई कौन सा सही आ रहा है। ए देख लो सबसे पहले क्या है, टिश्यू सेल या बॉडी पार्ट्स, ठीक है, लंग्स एलिमिनेट हो गया। दूसरा क्या है आपका, बी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, पल्मोनरी वेन, ये गलत हो गया, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमने पहले खत्म कर दिए, बी और सी में से एक है। सी क्या हो गया, लंग्स, सी आपका लंग्स है, दोनों में करेक्ट है। डी क्या हो गया, वेना केवा, वेना केवा सिर्फ एक में है, डॉर्सल एरोटा, उत्तर क्या आ गया, बी आ गया,
सबका भी आ रहा है, सबका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड बहुत इजी होता है क्योंकि इसको पहले ही मैं लेबल कर देता हूं। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले लेबल कर लो फिर मिलाते जाओ, गलती का कोई स्कोप ही नहीं। वही डायग्राम आ गया। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू ब्लड वेसल ए बी सी डी। नेचर ऑफ ब्लड क्या है, देखो यहां पर देखो, लंग्स से प्योरीफाई होकर आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड, यहां पर ऑर्गन्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, ऑर्गन से घटिया ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, और लंग्स के पास प्योरीफाई होने गया तो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड, तो बी और डी डीऑक्सीजनेटेड, बी और डी डीऑक्सीजनेटेड, बी और डी डीऑक्सीजनेटेड, ए आ गया आंसर, डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। या फिर देख लो सी और ए ऑक्सीजनेटेड, सी और ए ऑक्सीजनेटेड, एकदम करेक्ट बात है, राइट। अरे कैसे चैट बॉक्स में खुशियां कैसे छाई हुई है भाई, क्या हो गया। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ब्लड वेसल, ल्यूमेन छोटा प्रेशर ज्यादा आर्टरी, ल्यूमेन मोटा प्रेशर कम वेन, कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर आपको दिखाया हुआ है, जोड़ लो भैया, ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, वेन आर्टरी सी कैपिलरी, वेन आर्टरी कैपिलरी, वेन आर्टरी कैपिलरी, उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा। 141, द गिवन डायग्राम शोज विच ऑफ द फॉलोइंग हेडफोन लाइक न्यूक्लियस, किसमें देखने को मिलता है, इओसिनोफिल, एनसीईआरटी का डायग्राम देखना समझ में आ जाएगा, अगर अभी तक याद नहीं किया है, आधे डायग्राम एनसीईआरटी में क्लियर है ही नहीं, बस आपका ये दो लोब का जो दिखा रखा है ये इओसिनोफिल है, तीन लोब का एक दिखा रखा है न्यूट्रोफिल है, सिर्फ उनका समझ में आता है, प्लेटलेट आरबीसी का नॉर्मली हम जानते हैं, सिर्फ उनका समझ में आता है, बाकी किसी का कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या है आपका, हेडफोन लाइक इओसिनोफिल, ये क्या है आपका भैया, न्यूट्रोफिल है, ये तीन लोब का मैंने बताया था आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है, तीन लोब से दिखाई दे रहा है, ये आपका न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल है तो इसके बारे में बताओ, इट इज मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड, ब्लड में नहीं डब्ल्यूबीसी के में से मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट ब्लड में कौन है, आरबीसी, दिस इज फैगोसाइटिक इन नेचर, ट्रू बताना है, फैगोसाइटिक है भैया, अबंडेंस इन ब्लड 60-65% ब्लड में नहीं डब्ल्यूबीसी में 60-65% है, पूरे ब्लड का तो 0.1% भी नहीं होगा। सिक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपरिन, नहीं भैया ये करता है बेसोफिल, ये इसका काम नहीं है, तो फैगोसाइटिक है, सिर्फ एक बात करेक्ट है, 142 का उत्तर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। 143, द फंक्शन ऑफ सेल फ्रेगमेंट्स इन ब्लड गिवन इन द डायग्राम इज, ये कौन है, प्लेटलेट है, प्लेटलेट का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करवाना, टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये इम्यूनोग्लोबुलिन का काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, किसका काम है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स का काम है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एकदम करेक्ट है, एलर्जी आपका इओसिनोफिल का और आईजीई का काम है, उत्तर क्या हो गया, 143 का सी हो गया। विच सेल रिप्रेजेंट्स सरफेस एंटीजन फॉर एबीओ एनसीईआरटी में देखोगे, ये आपका आरबीसी है, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं है, बेसिक नॉलेज रखो कि आरबीसी आपका आंसर हो जाएगा, 144 का हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट है, क्योंकि इतनी बार पढ़ा दी है ना एनसीईआरटी के, अभी थोड़ा बहुत याद हो जाता है, ये इओसिनोफिल है, ये आपका बेसोफिल है, ये आपका न्यूट्रोफिल है, भाई ब्लर इमेज देख के भी बता सकते हैं, लेकिन इतना पेपर में नहीं आएगा। जैसे ये देखो आरबीसी है, ये प्लेटलेट है, ये इओसिनोफिल है, ये बेसोफिल है, ये आपका मोटा सा बता रखा है मोनोसाइट, ये आपका बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, राइट, हल्के में नहीं लेना भाई को, रात में सोते हैं तो एनसीईआरटी दिखाई देती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कहां तक क्या बता रखा है, ए क्या है आपका आरबीसी आरबीसी आरबीसी, इन दो को काट दो, बी क्या है प्लेटलेट प्लेटलेट प्लेटलेट, ये दो कटे ही हुए थे, सी क्या है आपका इओसिनोफिल इओसिनोफिल, उत्तर आ जाएगा सी, 145 का सी, एकदम करेक्ट, मस्त एकदम छकास, ठीक है। 146, रेट ऑफ हार्ट बीट इज हाइएस्ट इन, हार्ट बीट किसके अंदर हाइएस्ट है, वेल एलिफेंट माउस मैन, किसके अंदर हाइएस्ट है, याद नहीं करनी कितनी बीट है, नॉर्मल जीके के लिए बता देता हूं, वेल एलिफेंट मैन से भी ज्यादा होती है माउस की, नॉर्मल तरीके से याद कर लो, कुछ आएगा नहीं पेपर में, नहीं आएगा पक्की बात, गारंटी लेकर के कह सकता हूं। 147, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट बोथ वन एंड सेम थिंग, यानी दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, प्लाज्मा सीरम गलत है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, डिफरेंस आ गया क्लॉटिंग फैक्टर का, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड आपका पेसमेकर नहीं है, एसए नोड पेसमेकर है, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल है, लिम्फोसाइट आपके इम्यूनोलॉजिकल सेल्स है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट का एक पार्ट है, एक टाइप है, मिट्रल वॉल बायोकस्पिड वॉल सेम चीज है, ये सेम चीज है, उत्तर आ जाएगा डी।
प्रश्न 48, हाउ मेनी टाइम्स अ ब्लड कॉर्पसल विल हैव टू पास थ्रू द हार्ट इन इट्स जर्नी फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी टू एरोटा, यानी हेपेटिक आर्टरी से एरोटा तक पहुंचने में कितनी बार रेड ब्लड सेल पास होंगे हार्ट से। ह्यूमन में क्या होती है, डबल सर्कुलेशन, कितनी बार आपको करना पड़ेगा ब्लड को पास। हेपेटिक आर्टरी है तो सबसे पहले हेपेटिक आर्टरी कहां पे गई, हेपेटिक आर्टरी कहां पे जाएगी, हेपेटिक आर्टरी है तो लीवर में जाएगी। लीवर में जाने के बाद यहां से आपकी जो वेन है वो उठा करके लेकर आएगी ब्लड को कहां पर, हार्ट के अंदर। अब हार्ट के अंदर क्या है मेरे भाई, हार्ट के अंदर एक बार ब्लड घुस चुका है लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेट होने जाएगा लंग्स के पास, लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा हार्ट में लेफ्ट साइड में और फिर जाएगा आर्टरी के थ्रू लीवर में। तो हार्ट में कितनी बार आया, एक बार यहां, यानी आपका कहां से आया, आपका एक बार प्योरिफाई होके आया, एक बार इम्प्योरिफाइड आया, तो क्या हो गई, व्हाट इज द उत्तर, राइट उत्तर क्या हो जाएगा, लिख के बताओ झटपट, 2 times हो जाएगा, 148 का आ जाएगा ए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, देखो एक बार लीवर से इम्प्योर ब्लड लेकर के हार्ट में गया, प्योर होने के बाद भी तो ब्लड लेफ्ट साइड में आता है ना हार्ट में, फिर वेंट्रिकल से पंप होकर के जाता है, तो 2 times आया, एक बार यहां 2 times। ठीक है, 2 times, उत्तर इज ए। 149, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड इज एक्सपीरियंस्ड, मैक्सिमम प्रेशर कहां पर होता है, व्हेन ब्लड एंटर्स फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू एरोटा, when blood enters from right atrium to aorta, when blood enters from left ventricle to aorta, when blood enters from right ventricle to aorta, aorta जो कि oxygenated blood लेकर के जाएगा body part में, किस side से लेकर के जाएगा, left side से लेकर के जाएगा और वो भी नीचे वाले ventricle से। right ventricle तो aorta में open होता ही नहीं है, pulmonary artery में होता है, atrium कब से aorta में open होने लगे, तो तीनों तो statement ही गलत है। तो maximum pressure छोड़ो, सिर्फ सही statement पकड़ लो वही उत्तर है, प्रेशर भी छोड़ो सिर्फ स्टेटमेंट देख लो कौन सी करेक्ट है, वही आंसर है लॉजिकली। 150, द ब्लड सर्कुलेशन विच स्टार्ट्स एंड एंड्स इनटू कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज में स्टार्ट और एंड होने वाले प्यारे से सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम, जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, तो इट इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पे ऑर्गन का नाम नहीं लिखा है, हेपेटिक नहीं पूछा, रीनल नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है कि कैपिलरीज से शुरू, कैपिलरीज पे खत्म, तो क्या हो जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन हो जाएगा। 150 का उत्तर क्या हो जाता है आपका, ए। 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कौन सा नहीं है, हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट, यानी हमारा हाइपोथैलेमस जो है हमारे हाइपोफाइसिस के थ्रू किसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी को, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। तो हाइपोफाइसियल हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट है हमारे पास, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल और यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच, रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, 151 का सी। ये हम डन हो गए हैं एक और चैप्टर करके, पूरा फुल फिनिश खलास। 12th पे हम जस्ट चढ़ने वाले हैं, 2-3 chapters हमारे बचे हुए हैं, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन। आंसर की ठीक कर लो, 102 का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त डी के साथ ए, जो लब डब वाला क्वेश्चन था उसमें लब को लब लिखा हुआ था, एंड 112 का हो जाएगा डी की जगह बी, जो आपको वो करेक्ट करने थे, राइट, जो ईसीजी का पूछा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखा हुआ था वो वाला जो क्वेश्चन था, उसमें 4 बता रखे थे पर 2 गलत थे, ये आपकी की हो जाएगी। गाइज अगर अभी तक सिग्मा 2.0 को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे कूद पड़ो, एक बार जाकर के लिंक को चेकआउट करो, यू विल लव दिस कोर्स, और आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, थोड़ा अमेजोन पर भी इसको लाने की बात हो रही है, आप पहले भी ले सकते हैं बाद में अमेजोन पे, बस ये आपके पास एक ट्रैकिंग सिस्टम आ जाएगा जिसे आप खुद ट्रैक कर पाए और अमेजोन हमारी सरदर्दी अपने मोल ले ले। हमारी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो और फ्री वाले जो कोर्सेज है उनको भी एक्सेस कर सकते हो, पेड बैच में भी आ सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप यहां पर मार्क्सअप लर्निंग ऐप को अभी फटाफट इस टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो, 2 minutes के अंदर आपके नोट्स आ जाएंगे, 2 minutes के अंदर आपको खाली पीडीएफ भी दे दूंगा मैं, यानी अनएनोटेटेड जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, और जिनको आंसर रेफरेंस के लिए चाहिए एनोटेटेड मेरी एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड चाहिए वो भी मिल जाएगी, दोनों मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर फटाफट जुड़ो अभी की अभी,
और 216,000 सब्सक्राइबर कराओ आज रात को 12 बजे तक, वरना सुबह यार अब देखो ये बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा दोस्त, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा दोस्त। तो अभी क्या करो, फटाफट कराओ यार, 216 का वेट नहीं हो रहा मुझसे, 300 सब्सक्राइबर बचे हुए, झटपट कराओ रात को मामा चाचा के लौंडे के पास, किसी पे भी शेयर करो मुझे नहीं पता, इनएक्टिव सब्सक्राइबर करा दो, रिश्तेदारों के दोस्तों के किसी का भी कराओ मुझे नहीं पता, झटपट भागो अभी यहां से, जल्दी जल्दी करवा के अपडेट मारो, और जैसे ही होता है मैं तुम्हें अपडेट कर देता हूं। 216 मेरी दिल के बहुत करीब है दोस्त, मेरी आत्मा के बहुत करीब है ये नंबर, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है, अब तुम इतना तड़पाओ मत मुझे भाई, जल्दी जल्दी करवा दो, और उसके बाद फिर 1 मिलियन तक भी रेस्ट है उसके बाद, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, बट ये नंबर मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आर्ट्स के कराओ तुम, कॉमर्स के कराओ तुम, संस्कृत ऑनर्स वाले बच्चों के पास भेजो आज यार, पर मुझे चाहिए आज सब्सक्राइबर, तुम बहुत सारे बच्चे बैठे हो यहाँ पे, 150-200 दो दो बार सब्सक्राइब कराओ मम्मी पापा के फोन से, मुझे नहीं पता। और अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, 5 मिनट में नोट्स आ जाएंगे, जस्ट अभी मैं अपडेट कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, मिलता हूँ कल सुबह के लेक्चर में, रात को अगर सब कुछ ठीक रहता है, किसी का यार बहुत हंस रहा है भाई, बारिश आ रही है 1-2 दिन से, तो इंटरनेट कट जाता है, लाइट भी थोड़ी कम रहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2-3 घंटे का एक लेक्चर लेंगे, एक्सक्रीशन के क्वेश्चन भी आज ही करवा दूंगा, तो एक बार अपडेटेड रहना, ठीक है, चैनल को देखते रहना, टेलीग्राम पे अपडेट आपको मिल जाएगा, देखते हैं आज रात को कम से कम 100 क्वेश्चन लेके बैठते हैं, 150 क्वेश्चन है, आधे कल कर लेंगे, ठीक है, तो एक बार करते हैं रात को जुगाड़, एक बार मैं थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ चीजों को, स्लाइड वगैरह बना लेता हूँ, फिर रात को मिलते हैं, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं आपसे कल सुबह 8:30 लोगों